व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप से आप बचे हुए होंगे। तो मैं अभिनंदन कुमार आजाद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एएसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपने शांति क्लासेस के सेमिनार में बुलाया था जो कि 22 मार्च को होने वाला था 11 बजे, पर COVID-19 के बढ़ते प्रकोप और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान के कारण आज का सेमिनार रद्द कर दिया गया है। फिजिकल सेमिनार रद्द कर दिया गया है, इसे मैं डिजिटलाइज करने जा रहा हूँ, यानी कि आप लोगों के सामने सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबों को नवरात्र का जो कि आने वाला है उसके ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ भी आने वाला है उसका भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद रामनवमी भी आने वाला है उसका भी आप सबों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बुलाया था सेमिनार कम कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि आप 10th के रिजल्ट के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या आपने सोचा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में करियर ऑप्शंस हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या बनता है, इसके सब बातों को बताने के लिए मैंने एक्सपर्ट का एडवाइस आपके सामने लाया था। कई एक्सपर्ट को भी इन्विटेशन दिया गया था, पर यह सब कुछ रद्द करना पड़ा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का उसी दिन आह्वान किया है जिसका शांति क्लासेस समर्थन करता है। यदि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो COVID-19 पर रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको इससे बचने के सारे तरीके बताए गए हैं। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले थे कि भाई मैट्रिक के बाद अधिकांश छात्र विभिन्न कैरियर अवसरों और उन्हें कैसे प्राप्त करें इससे परिचित नहीं होते हैं, चुनौतियाँ क्या होंगी और उन्हें कैसे दूर किया जाए। मैं इस वीडियो में मुख्यतः 3 बातों पर विशेष गौर करूंगा। 3 बातों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला तो यही होगा कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है और उसे कैसे सेलेक्ट करें, हमें क्या क्या दिक्कतें आगे आएगी उस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होता है। आप सब्जेक्ट लेते हो फिर बाद में पता लगता है कि ये तो वो टफ है, बहुत मुश्किल है, और उसे सब्जेक्ट को छोड़ के कई बच्चे वापस चले आते हैं, बीच में सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, तो इससे आपका समय का बर्बादी होता है। बाद में पछताते रहते हैं कि मैं कोई और सब्जेक्ट लेता जिसमें मेरा फ्रेंड बहुत ऊंचाई तक चला गया, मुझसे पढ़ने में वो कमज़ोर था, यदि मैंने भी वही सब्जेक्ट लिया होता तो हो सकता है मैं उससे बेहतर होता, तो ये सब संभावनाएं आती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पढ़ने कहाँ जाएँ, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, कौन से शहर जाएँ, पटना जाएँ, दिल्ली जाएँ, कोटा जाएँ, विशाखापट्टनम जाएँ, कहाँ जाएँ, इसमें भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तीसरा जो टॉपिक है वो सरप्राइज है जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कशन में लाएंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ये वीडियो स्पेशली हिल्सा में रहने वाले बच्चों के लिए ही रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ क्या क्या ऑप्शन, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सुविधाएँ हैं, उसको देख कर ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हो सकता है कि हिल्सा के बाहर जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो उतना सुटेबल ना साबित हो। कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इसके लिए मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये हरिवंश बच्चन का एक पोइम है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले उस रास्ते की पहचान होनी चाहिए। देखा देखी मत कीजिए, हमारा फ्रेंड क्या ले रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसकी इसको मत देखिए। आप देखिए कि भैया आपके पास क्या सुविधाएँ हैं, कहाँ चलना है, सबसे पहले उस रास्ते की पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साइंस लेना है, ये ऑप्शन है, ये हमको अच्छा लगता है, नहीं, सबसे पहले वहाँ तो वो रास्ता क्या है उस रास्ते के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप किसी रास्ते पे आगे की ओर बढ़ें। एक बार यदि आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं, यह अच्छा है या बुरा मत पर इस भ्रम में। ये भी हरिवंश बच्चन ने ही कहा था कि एक बार किसी रास्ते पर यदि आप चल जाते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल विचार मत कीजिए कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। ये उस वक्त आपको सोचना है जब आपको डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने से पहले आपको जितना विचार विमर्श करना है आप 100 बार सोचिए और 1000 बार उसको क्रॉस चेक कीजिए।
ठीक, एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद आप इस विचार विमर्श में मत पड़िए कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। एक बार रास्ते पे आगे बढ़ गए तो बढ़िए, क्योंकि हर देखो हर रास्ते पे मुश्किलें आएंगी। आपको लगता है कि जो मेरा फ्रेंड चल रहा है वो रास्ता आसान है, उस पर चलते तो हम आसानी से कर लेते हैं, ऐसा बस लगता है। सारे रास्ते मुश्किल हैं। अरे किसान का भी रास्ता मुश्किल है। अगर किसान सोचता है कि लहलहाता खेत देखने का उसका अगर सपना है तो वो भी आसान नहीं है। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। सब रास्ते पे अपने मुश्किलें हैं, हर रास्ते पे सक्सेस है, हर रास्ते पे आपको एक से बढ़कर एक चुनौतियाँ मिलेंगी और उसको पूरा करने पर आपको सफलताएँ भी मिलेंगी। दूर का ढोल सुहाना होता है, इस पे मत जाइए कि वो कर रहा है यार, वो करते तो हम बेहतर कर पाते, ये सब दिमाग में मत लाइए। सबसे पहले आप जो भी डिसीजन लेना आज डिसीजन लीजिए और इस बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि वो रास्ता कैसा है, सबसे पहले उसके बारे में जानिए। तो अभी आपकी जो छुट्टियाँ चल रही है इसमें आपको सर्च करना चाहिए कि कौन कौन से कैरियर विकल्प हैं और उस पे जाने पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेलिंग आप लीजिए, ठीक है। और उसमें भाई चूंकि ढेर सारे करियर ऑप्शन है, हर किसी के बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, ये 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। फिर आप अपने पर्टिकुलर चीज़ों को सिलेक्ट कीजिए कि हमको ये करना है और उसमें क्या हो सकता है, वो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ किन कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं उसमें जहाँ पे हमको एडमिशन लेना है, क्या कंडीशंस है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और कैसे कैसे आगे चलना चाहिए यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे हर एक चीज़ से रिलेटेड। कौन कौन से करियर ऑप्शन है, क्या सर्च करना, इसके लिए मैंने आपको एक PDF भेजा है, सभी बच्चों को सर्कुलेट किया है। जिस बच्चों को नहीं मिला होगा वो डिस्क्रिप्शन में चला जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके वो उस PDF को डाउनलोड करें। उस PDF का पासवर्ड अभिनंदन सर है, अभिनंदन सर स्मॉल में आप लिखें और उस PDF का पासवर्ड है, पासवर्ड आप दें और उस PDF को खोलें। उसमें सारे करियर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से करियर ऑप्शन, जो भी मुझे समझ में आया, जितना भी मुझे पता था वो सारे के सारे, हो सकता है कि कुछ और मिस किया हो गया हो, पर मैंने कोशिश किया कि सारे जितने भी करियर ऑप्शंस हैं 10th के बाद के बच्चों के लिए, 11th के बाद जो 12th के बाद के बच्चे हैं उसके लिए, और जो ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे आते हैं उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे उसमें दिए हुए हैं। जानते हैं कि हर दिन नए नए करियर ऑप्शंस बनते जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ मिसिंग भी हो, तो देखा देखिए। और ये देखना कि उसमें तो जाते हैं बहुत पैसा है, गार्जियन बस यही देखते हैं, हर गार्जियन को लगता है कि मेरा ही बच्चा देश का प्रेसिडेंट बनेगा, हर माता पिता को यही लगता है कि मेरा बच्चा सबसे काबिल है, पर आगे क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। माता पिता ये नहीं देखते कि चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि उन्होंने फेस ही नहीं किया है, आपके माता पिता ने थोड़े ना वो एग्जाम फेस किए हैं, कैसे जाना है वो रास्ते पर थोड़े ना चला है उन्होंने, वो बस देखते हैं रिजल्ट कि फलाना का बच्चा, फलाना का बेटा इंजीनियरिंग किया तो आज ढेर पैसा कमा रहा है, वो देख के आपको भी वो इंजीनियरिंग करने भेज देंगे। फिर देखेंगे दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग किया कुछ नहीं कर रहा तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए भेज देंगे। लोगों को बस यही 2-3 का ऑप्शन है, बिहार के बच्चों को बस इंजीनियरिंग समझ में आता है, डॉक्टर समझ में आता है, और उससे बाद बन जाता तो UPSC समझ में आता है, जो जनरल के बच्चे हैं 2-3 उनको करियर ऑप्शन समझ में आता है। इसके अलावा उनको पता नहीं लगता कि कोई और करियर ऑप्शन, भाई 10th के बाद उनको और कोई रास्ता नहीं मिलता है। हाँ, इसके जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, जनरल कंपटीशन जाते हो, तब जाके आपको SSC बैंकिंग ये सब आपको दिखना शुरू हो जाता है, रेलवे ये सब आपको दिखना शुरू होता है। कंपटीशन पे तो हम लोग बाद में जाएंगे, जनरल कंपटीशन जितने भी हैं, RRB का है, SSC का है, ये सभी के सभी का जो लेवल होता है वो 10th का लेवल होता है। उस 10th के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रैक्टिस करना होता है, और आपको जब मतलब जितना ज़्यादा आप सेट लगाओगे, जितना फास्टली क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंग्लिश होता है, GK होता है, ये सब क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जितना फास्ट आप कर पाओ उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। पर वो महत्वपूर्ण नहीं, वो तो बाद की बातें हैं, वो तो जब आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लोगे या ग्रेजुएशन में कम से कम 12th कर लोगे उसके बाद आप इस सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। अभी है आपका कौन सब्जेक्ट लिया जाए, सिर्फ पसंद से नहीं होगा। माता पिता आजकल छोड़ देते हैं बच्चों को कि जो तुमको पसंद है वो करो, भाई बच्चे अभी बच्चे हैं, उनको पता क्या है, उनको पसंद है, उनको TV पर उन्होंने देखा कि इंजीनियर अच्छा होता है या डॉक्टर अच्छा काम करता है, वो डॉक्टर करने चले गए, पर उनको फिर रास्ते पर जो मुश्किलें आए वो बच्चों थोड़े ना से अवगत होता है और चला गया, उसके बाद उसको पता लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर वो छोड़ के चलाता है। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, IIT में आप जाओ, IIT जो क्लियर कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद, IIT का JEE एडवांस का एग्ज़ाम निकालने के बाद भी बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से उसके बाद छोड़ के भाग आते हैं, उसको कहते हैं कि आप हमसे BTech नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। सोचिए, एग्ज़ाम निकालने के बाद जो इतना काबिल जिसको आप कहते हो, वो लोग जाके IIT छोड़ के चले आते हैं। सोचो कितना मेहनत किया उन्होंने। भाई मेरे कॉलेज में भी जो गए थे, बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर से ही कॉलेज छोड़ दिया, गार्जियन भाई कितना पैसा उन्होंने बर्बाद किया,
उन्होंने पहले 11 ट्वेल्थ करवाया, कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करवाई, लाख लाख डेढ़ लाख रुपया महीना महीना का फ़ी दे, साल भर का फ़ी देते हैं वो, तीन तीन चार चार छः छः लाख पैसा लगता है आपका सिर्फ 11 ट्वेल्थ का प्रिपरेशन कोचिंग कराने में, तब जाके आप IIT निकाल पाए। IIT निकालने के बाद कॉलेज में गए, कॉलेज का सेमेस्टर का एग्जाम मैंने फ़ी भरा आपने, उसके बाद उसने बच्चा ने कहा कि नहीं हम हमसे नहीं हो पाएगा, तो 50,000 रुपया वहाँ पर बर्बाद हुआ। उसके बाद भाई गार्जियन कहता है कि आप क्या करेगा क्या है, तो इससे बेहतर है कि आप जाने के बाद छोड़ें, उससे पहला है कि आज ही आप डिसीजन लें कि आप क्या कर पाओगे, सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है वो देखिए, भाई बुक वगैरह पलट के देखिए, कुछ भी पलट के देखिए, या फिर जो आप लोगों ने जो किया है उनसे बातें कीजिए। जैसे तो लोग डराते भी हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें भी फैलती हैं, तो बात करने की दो चार लोगों से बात करोगे, काबिल लोगों से बात करोगे, वो चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी को पकड़ के बात करोगे तो वो आपको डरा देंगे, क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ है। मेरे चैनल पे भी आपको एक मोटिवेशनल प्लेलिस्ट मिलेगा, जो आप मेरे जो चैनल का नाम है इसके जाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस पर क्लिक करेंगे आप तो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मोटिवेशनल वीडियो करके। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आया है मेरे कोचिंग में, उन्होंने जो बातें बताई है बच्चों को वो रिकॉर्ड करके वहाँ पर रखा हुआ है, तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि उसे भी जाके आप सुने, उससे आपको थोड़ा करियर गाइडेंस मिलेगा, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आते हैं सब्जेक्ट पे कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे करियर ऑप्शन सोच तो रखा है, पर उसको कैसे पाया जाए उसके बारे में उनको नहीं पता। जैसे बहुत सारे गर्ल्स हम एयर होस्टेज बनेंगे, पर उसको कैसे पाना है, अभी आपके पास समय, आप उसको सर्च कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप लेके जाना है हमें। एक चीज़ और मैं बता दूँ जो डॉट है बच्चों के दिमाग में, कि आप इंटर में कोई भी सब्जेक्ट लें, आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जनरली चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग साइंस से पढ़ते हैं इंटर में, तब भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को बदल के आर्ट्स कर सकते हैं। तो आज से कोई सब्जेक्ट से डर के कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें, आप सब्जेक्ट का रास्ता देखिए क्या करना है, हमसे हो पाएगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, हमको करना है कि नहीं, कितना इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को देख के आगे करना है आपको। किसी के डरा देने से कि इसमें मैथ पढ़ना पड़ता, मैथ तुम पढ़ पाओगे, ऐसे नहीं डरा जाता है। साइंस तुमसे हो पाएगा, आर्ट्स कर लोगे, अरे ऐसा थोड़ा ना, कोई भी रास्ता आसान नहीं है, जिससे आसानी से कह देते हैं। और जो कहने वाले लोग होते हैं ना, वो खुद ही नहीं कर किए रहते हैं, उन्होंने आर्ट्स ढंग से पढ़ा है क्या उन्होंने मैथ ढंग से पढ़ा है क्या? जिन्होंने ढंग से चीज़ों को पढ़ा है वही बता सकते हैं, और जो भी ढंग से पढ़ा है, जिसने मैथ ढंग से पढ़ा वो कहेगा ही नहीं मैथ मुश्किल है, वो कह ही नहीं सकता, वो कहेगा सबसे आसान मैथ ही है। मैं स्पेशली हिल्सा के बच्चों के लिए आता हूँ, क्योंकि हिल्सा में सुविधाएँ कम हैं, कोर्सेज भी आपके कॉलेज में कम मिलेंगे, तो कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट के ऑप्शंस भी आपके पास कम होंगे। मैं कुछ आप लोगों को सलाह देता हूं कि कैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्या सोचेंगे आप किसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में। पहले क्या आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, या यदि आप कोई अचीवमेंट पाना चाहते हैं लाइफ में, आपने कुछ सोच रखा है, कोई गोल सोच रखा है कि हमें ये चीज़ करना है, और इस एकदम पैशनेट है, इसका पैशनेट करते हैं, इसको करके ही रहना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, अगर ऐसा आपने कुछ सोच रखा है तो एकदम बिल्कुल मत सोचिए, आप उस सब्जेक्ट को लीजिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना यही करेंगे, आपको ज़िंदगी में सबसे इंटरेस्ट इसी में है, मुझे वही करना है, अगर आपने सोच रखा है तो उसको कीजिए। क्योंकि फिर अगर आप दूसरे रास्ते में चले गए तो आपके दिमाग में हर वक्त है कि मैं वो करता तो बेहतर कर लेता। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है, एकदम पैशनेट है एकदम, कि मुझे जी जान मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं करूँगा वही, और उसको करके ही दम लूँगा, अगर इतना पैसन है आप में, तो उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में बिल्कुल भी ना सोचें। किसी को है कि मुझे इंजीनियर बनना ही है, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा इंजीनियर बनने के लिए। किसी को है डॉक्टर, मेरा भाई लक्ष्य है, मेरा एम है, मुझे कुछ जीवन में ऐसा हुआ है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पैशनेट होते हैं कि नहीं, मुझे मेरे फैमिली में ऐसा हुआ कि किसी के साथ बीमार हुआ, कोई डॉक्टर इलाज नहीं किया, तो मुझे पैशन है कि मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसा दिमाग में सोच रखा है तो उसको उस सब्जेक्ट में चले जाना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, उसको सब्जेक्ट में चले जाना चाहिए। कैरियर क्या होगा मत सोचो, कैरियर तो बन जाएगा। पहले अगर आपका पैशन इस प्रकार का पैशन है, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत, एकदम अगर ऐसा पैशन है, चाहे किसी भी सेक्टर में, अगर आपको क्रिकेटर बनना है या फिर कोई गायक बनना है, सर्च कीजिए कौन सा प्रोफेशनल कोर्स है, क्या कर सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं, उसको सर्च कीजिए, पता कीजिए और उधर जाइए। एक और चीज़ बात बता देता हूँ कि हाँ, दो चीज़ें होती है लाइफ, एक होता है आपका पैशन, एक होता है प्रोफेशन। आपको जो पैशन जो हॉबी है उस पर तो काम करना ही है, लेकिन एक भाई कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर हम दिन भर क्रिकेट खेलेंगे पर पढ़ाई लिखाई हमने छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है भाई। एक फंडामेंटल नॉलेज तो रखोगे ना, क्रिकेटर बनना है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि अनपढ़ गवारा के बनोगे। तो
तो कुछ चीज़ें होता है कि भाई जो हमको पैशन है जिसको करना है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर दूसरी चीज़ों को भी तो निगलेक्ट करके नहीं जाओगे ना कि बिल्कुल हम दूसरी तरफ हम शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि डिग्री हम बिल्कुल छोड़ दें, ग्रेजुएशन में कुछ नहीं छोड़, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, हम सीधे सीधे हम अगर हमको गायक बनना सिंगर बनना तो दम हम उसके पीछे चले जाएँ, हमको एक्टर बनना तो चले जाएँ पटना या मुंबई चले जाएँ, ऐसा दम बिल्कुल जिंदगी को ऐसे नहीं ठुकराना है। कि ऐसा कुछ बच्चे होते हैं कि एकदम इमोशनल होकर कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, माता पिता के सुनते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। हर चीज़ को बैलेंस भी रखना है। एक कैटेगरी मैंने बच्चे का बांट दिया जो एकदम पैशनेट है, जो एकदम पैशनेट है कि हमने यही करना है, तो उसको किसी की नहीं सुननी चाहिए, उसको उस फील्ड में चले जाना चाहिए, वो बाकी कुछ इधर उधर ना सुने। अगर वो दम ठान लिया है कि मैं करूँगा तो यही करूँगा, करके ही दम लूँगा, दिन रात एक कर दूँगा पर मैं करके ही दम लूँगा, तो वो उस फील्ड में चला जाए। उस फील्ड में जाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज़ों को बिल्कुल हम छोड़ दें, ये नहीं करना है। आपको सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, दूसरे चीज़ को एकदम नेगलेक्ट नहीं करना है। बाकी आते हैं नॉर्मल बच्चों की तरफ, क्योंकि ऐसे बच्चे पैशनेट बहुत ही कम बच्चे रहते हैं, कुछ एक होते हैं, 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो पैशनेट होते हैं इतना ज़्यादा कि भैया मुझे ये करना है और इसी को करके हम दम लेंगे, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे नहीं, बिल्कुल हम एकदम करके ही दम लेंगे। जनरली जो इतने पैशनेट बच्चे हैं ना, उसको अब कोचिंग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ सोच रखा हो कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक्टिंग स्कूल में जाना पड़ेगा उसको, उसके लिए क्या करना है कैसे जाना है उसको सोचना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। और मैं हूँ नहीं कि मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि कैसे जाना है, तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, डांसर बनना, प्रोफेशनल डांसर बनना है, तो वो आपको वो देखना है कि आपको कैसे जाना है आपको। और ऐसा भी नहीं कि आपको बाकी सब चीज़ें छोड़ना है, कि आप बिल्कुल डिग्री ही ना लो, बिल्कुल छोड़ दो, सेव भी करना पड़ता है अपना, कि भैया एकदम अगर उधर ना हम हो पाए कुछ तक, तो कुछ हमारा एक सेफ हैंड भी होना चाहिए। ऐसे बच्चे कॉलेज ढूंढें, कोचिंग ढूंढें जिसमें उससे स्पेशल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती हो, जनरली ऑब्वियस सी बात है हिलसा में तो होगा नहीं, और वो वहाँ जाएं और उसकी तैयारी करें। ऐसे बच्चे कोई भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट हो सकते हैं, वो डॉक्टर के लिए पैशनेट हो सकते हैं, सिंगर बनने के लिए पैशनेट हो सकते हैं, क्रिकेटर बनने के लिए पैशनेट हो सकते हैं, जो एकदम पैशनेट है वो। अब आता है इससे थोड़ा सा काम कि भैया हम ठीक है, हम पढ़ना तो चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन वैसा पैसा नहीं कि हम करके ही दम लें। ठीक है, होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे, नहीं होता दूसरा काम भी हम कर सकते हैं, जनरल एग्ज़ाम देके जनरल नौकरी ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे। इतना पैसा नहीं है कि हम वही चीज़ एकदम से करेंगे, ऐसा पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो फिर आप ये मत सोचिए कि हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, गार्जियन नहीं देखेंगे, पैसा देंगे कि नहीं देंगे, पैसा है नहीं, आपको करना ही चाहिए। अगर इतना पैशनेट है तो भैया, अगर वो कहते हैं ना, जब आप किसी को दिल से चाहो तो पूरी दुनिया से आपसे मिलाने का षड्यंत्र करने लगती है। तो अगर आपकी इच्छा है कि उस चीज़ को करना है तो करिए, उसके लिए आपको अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप रास्ता जैसे पैर आगे बढ़ाते जाओगे, बस ये रखो कि भाई मुश्किल रहेगा तो हम हटेंगे नहीं वहाँ से, अगर हट जाओगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अगर आप पैशनेट हो कि कितना भी मुश्किल हो, कितना क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन हो, मुझे वो करना ही करना है, तब आपका रास्ता अपने आप बनेगा, आप वहाँ पर टिके रहोगे, रास्ता बनता जाएगा। ठीक है, रास्ता चाहे दिखे या नहीं दिखे, जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे वैसे वैसे रास्ता मिलेगा आपको, तो उसमें आपको जाना चाहिए। इसके लिए अब्स्ट्रैक्ट कोई नहीं आता है, रास्ते में कोई रोड़ा नहीं होता है, जो एकदम पैशनेट होता है, जो ऐसे लोग होता है जो डर थोड़ा सा लगता है कि यार जाए रास्ता रुका हुआ दिखा तो तुरंत रास्ता अपना बदल लेता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। जो रहेगा ऑब्वियस बात है, जनरली मैक्सिमम 90% बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो भाई रास्ता में रोड़ा दिखेगा वो हटेंगे ही हटेंगे, क्योंकि वो बहुत देर तक इंतजार नहीं कर सकते, उनके लाइफ उनको ज़िंदगी देखना है अपना। उनको लगे कि यार मेरे डॉक्टरी नहीं निकल रहा, तो वो ब्रांच अपना चेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, दूसरे तब चले जाएंगे, सिंपल ग्रेजुएशन करके वो जनरल कंपटीशन में चले जाएंगे। ऐसे बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले गार्जियन का भी उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता चेंज करने वाले बच्चे हैं। अगर वो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करें, मैं जे एडवांस का एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ, अगर निकाल पाया तो, क्योंकि पैशनेट नहीं है तो यही सोचेंगे, अगर निकाल पाएगा कोशिश तो करेंगे, देखते हैं जेई में एडवांस में निकाल सकता हूँ कि बाकी से तेज़ हूँ तो निकाल ही लूँगा, तो उनको अब देखना पड़ेगा क्योंकि गार्जियन उनके एबल हैं या नहीं है। यदि गार्जियन एबल है, एबल मतलब अगर आप जेई एडवांस निकालना चाहते हो तो आपको प्रॉपर कोचिंग चाहिए। ठीक है भाई, अगर हिलसा में अगर आप बात करते हो कि हिलसा के कोई कोचिंग आपको जेई एडवांस निकलवा देगा, तो सबसे पहले टीचर से पूछिए कि आपने निकाला है, कभी एग्ज़ाम दिया है आपने, एग्जाम दिया है, निकाला भी है तब भी वो निकलवा पाएँ आपका, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए टीम वर्क चाहिए, उनके लिए कंटेंट चाहिए, पूरा मैनेजमेंट चाहिए, वो व्यवस्था हिलसा में नहीं है। क्लियर कट मैं बता देता हूँ, जी एडवांस के लिए आपको अगर IIT में जाना चाहते हैं तो आपको तो जाना ही पड़ेगा कि आप किसी अच्छे कोचिंग में जाएं। इसके लिए आप कोटा जाएंगे, पटना जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, इस प्रकार जगहों पे जाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि कहाँ जाए, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ ऐसे सब्जेक्ट को, एक एक जो सबसे ज़्यादा लोग जहाँ जाते हैं उन सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ,
ठीक है, पैशनेट वाले बच्चे की बात मैंने कर दिया। अब जो सब्जेक्ट आ जाता है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल ये सब सब्जेक्ट आ जाता है, धीरे धीरे जाते हैं। मैं उन टॉपिक को उठाना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसको सेलेक्ट करते हैं, कि मैं खुद ही एक इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, रिसर्च फील्ड में रहा हूँ, लोगों से कनेक्टेड रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाया भी है, बीटेक वाले बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया है, गेट के लिए तैयारी करवाई है। मेरे यूट्यूब पे जो चैनल ऐप का है उस पर देख ही रहा हूँ, मैं कहने के इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ। इंजीनियरिंग फील्ड का मुझे नॉलेज है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूँ। जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए आपको, यानी कि IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको कोचिंग चाहिए। कोचिंग के लिए आप कोटा जाएंगे। कोटा का जो सबसे अभी फेमस कोचिंग है वो LN ही चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे, जो बेहतर चल रहा है। अब लोग आते हैं कि सर कोटा ना जाके हम LN ही कहीं और ज्वाइन कर लें, तो कहीं और जाने वाली कोचिंग का ब्रांड से काम थोड़ी ना चलेगा, टीचर थोड़े ना वो आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो ये भी देखना है ना कि टीचर वहाँ कौन है, सिर्फ कोचिंग के ब्रांड पर थोड़े ना जाओगे भाई। वहाँ टीचर कौन पढ़ाते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, उसके बाद वहाँ का रिजल्ट क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा ना आपको। हाँ, कोचिंग जो ब्रांडेड कोचिंग है उसका ये फ़ायदा है कि उसका एक एक प्रोसेस फिक्स होता है, एक कंटेंट फिक्स होता है, वो पढ़ाना उनको कोई भी टीचर आएंगे उनको पढ़ाना वही सब चीज़ें पढ़ाएंगे पड़ेगा, चाहे वो उनका लेवल जैसा भी रहे, वो पढ़ाएँ या ना पढ़ा पाए वो छोड़ दें, लेकिन उनके पास कंटेंट रहता है, मटेरियल रहता है, वो आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया कोचिंग का ये फायदा होता है कि उसका बैकग्राउंड एक बढ़िया बना हुआ होता है। चलिए, मैं इस टॉपिक में बाद में आऊँगा, कोचिंग कहाँ, कौन सा कोचिंग बढ़िया है, कहाँ जाना चाहिए, इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आता हूँ सब्जेक्ट पे। हिल्सा के बच्चों को सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करना चाहिए, स्पेशली मैं हिल्सा के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, हिल्सा जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का एक सब डिवीज़न है। ये पूरी तरह से मेरा ओपिनियन है और मैं इस ओपिनियन को समझाने की कोशिश भी करता हूँ, बाकी आप लोग आप कन्विंस हो पाते हो या नहीं हो पाते वो आपकी मर्जी है, आप लोग सोच सकते हैं अपने दिमाग से। कि हिल्सा के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बाहर के बच्चों के लिए हो सकता है अलग चीज़ों पर, हिल्सा के बच्चों के लिए समझिए। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स तो खैर अगर पैसन है तो मैंने बता ही दिया उसको, तो मैंने अलग से छाड़ दिया कि जिसको इकोनॉमिक्स लेके भाई उस फील्ड में जाना है तो वो जा सकता है। एक चीज़ और मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आप सो जो इंटर इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, थोड़ा सा आपको ऑब्वियस बात है, ग्रेजुएशन में जाओगे कुछ और सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको, तो पढ़ना पड़ेगा, आप कवर कर लोगे आसान सब्जेक्ट लेके जाते हो तो। पर अगर मुश्किल सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में ले लोगे, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा नहीं और ग्रेजुएशन में आपने मुश्किल सब्जेक्ट लिया तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में क्या क्या देखना पड़ेगा, जो खासकर हिल्सा में बच्चे रह जाएंगे उनकी बात मैं करता हूँ। बाहर चले जाएंगे तो खैर वो तो अपना सेलेक्ट कर चुका है, उसको कहाँ जाना है, बाहर जाने का मतलब ये कि उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुका है अपना, और वो ऑब्वियसली बात है वो सेलेक्ट करता है जो इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करता है या फिर मेडिकल सेलेक्ट करता है। बायो के बच्चे बायो सेक्टर में चले जाते हैं और इंजीनियरिंग बच्चे इंजीनियरिंग सेक्टर में चले जाते हैं, मैथ वाले बच्चे तो उसको तो हम लोग छाड़ देते हैं, क्योंकि वो बच्चे अपना सेलेक्ट कर चुका है, पहले ही डिसीजन ले चुका है और बाहर जाना है तो ऑब्वियसली वाले डिसीजन वो ले चुका है। ठीक है, एक बार और उसको बस देखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बाद वो डरे नहीं, और कहाँ जाना उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बाद में आगे चल के। यहाँ पे आते हैं हिल्सा में रुकने वाले बच्चों के बारे में, हिल्सा में बच्चे रुकेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट लें। तो जनरली हिल्सा में रुकते हैं वो तो ये इस मांग की चलते हैं कि माता पिता भी उन बच्चों को नहीं भेजते जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर होता है, जिसके मार्क्स थोड़ा सा कम आएंगे उसके माता पिता बाहर भेजने से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि भाई ऐसे पढ़ेगा नहीं, बाहर जाकर बदमाशी करेगा, हर नज़र के सामने आएगा तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा भी। गर्ल्स को भी कोशिश करते हैं गार्जियन कि बाहर हम कहाँ भेजें, गर्ल्स हैं पढ़ती पढ़ने में अच्छी तो माता पिता भेज ही देते हैं लगभग। एक और देखते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन भी माता पिता देखते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है तो बाहर बच्चों को भेजेंगे, नहीं है तो थोड़ा रोक देते हैं। तो एक चीज़ और बच्चों को मैं कहता हूँ, यदि आप पैशनेट है तो फिर मैंने बता ही रखा है कि आपका मंजिल मिल ही जाएगा, आप आगे बढ़िए उसके बारे में मत सोचिए। पर अगर इतना पैशनेट नहीं है, आप डर रहे हैं, थोड़ा सा भी डर है आपके दिमाग में तो मत बढ़िए। अगर आपके माता पिता के पास थोड़ा भी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है या फिर कमज़ोर है तो आप ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर ना बनाए बाहर जाने के लिए। ठीक है, बाहर जाने से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, और देख ही रहो कितने सारे प्रॉब्लम है। अभी कोरोना वायरस आया है, कोचिंग क्लासेस सब बंद है, हिल्सा में आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर कोचिंग क्लासेस बंद कर देगा आपको घर पर भेज देगी, और ये हर वक्त रहता है, ऐसा नहीं है कि इस साल है अगला साल नहीं रहेगा। मैं जब कोटा में पढ़ रहा था उसमें स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, तो ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है, हर वक्त रहता है। पर जाने के बहुत सारे नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं ऑब्वियसली बात, यहाँ अगर सुविधा नहीं है तो जाना ही पड़ेगा बाहर आपको एडुकेशन के लिए, पर उसके नुकसान क्या है? अगर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? पैसा भी खर्च करोगे, मुश्किलें भी मोल लोगे, छोटे बच्चे हो, खास कर गर्ल्स लोग छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है उस तरह से। वहाँ पे अगर आपने आपके फैमिली नहीं है, आप देखो घर पे रहोगे तो माता पिता कोई भी परेशानी आती है, गर्ल्स जाते आते जाते रहते हैं, कोई आज तो फलतू कोई कमेंट कर दिया आपके ऊपर तो आपका पूरा दिन का मूड ख़राब रहता है, आप डर भी जाते हो, बाहर रहोगे अकेले रहोगे आप डर भी जाते हो कि क्या करना है, कभी एक दोस्त कोई पीछा करने वाले लोग मिल गए
तो आप डर जाते हो क्या करें, गार्जियन को बताएंगे तो गार्जियन भी यहाँ पर डर जाते हैं, वो तुरंत बच्चों को बुला लेते हैं, नहीं मत जाओ वहाँ पर। तो अगर आप घर के आसपास रहोगे तो फ़ायदा क्या रहता है घर में, कि माता पिता के सबसे पहले नज़र आता, आप नहीं भी बताओगे कोई परेशानी है तो आप नहीं बताओगे तो माता पिता को पता लग जाता है कि कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है, तो किसी न किसी तरह से आपसे पूछ लेते हैं। पर बाहर में आप बता नहीं पाते हो प्रॉब्लम, और ये कुछ दिन का ही प्रॉब्लम होता है तो आपको पढ़ाई पर असर पड़ता है, आप सोचते रहते हो क्या क्या सोचते रहते हो, जो है भी नहीं परेशानी वो भी आप स्ट्रीम सोच लेते हो, तो इसके कारण आपकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो हर चीज़ के अपना नुकसान फ़ायदे हैं, बाहर जाके फ़ायदे हैं अपना तो नुकसान भी, और बहुत सारे नुकसान हैं, एक दो नुकसान नहीं है। खाने का प्रॉब्लम होता है क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है बाहर जाओगे तो वो खाना तो मिलेगा नहीं जो आप खाते हो वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है आपका हेल्थ भी ख़राब होता है, बाहर का खाना खा रहे हो, दो टाइम खाना खाते हो, खाना खाते हो या नहीं खाते हो वो भी हेल्थ का प्रॉब्लम आता है। और ऐसा तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि बाहर जाओगे तो तुम IIT निकाल लोगे या फिर कुछ कर लोगे, कोई पैशनेट बच्चा है तो निकाल ही लेगा, नहीं भी निकालेगा तब भी उसको जाना चाहिए। अगर उतना है कि भाई हमें अपना हेल्थ क्या, मैं सब कुछ कुर्बान करने का तैयार हूँ लेकिन मैं करूँगा यही चीज़, तब तो बात ही अलग है। पर अगर आपको थोड़ा सा भी आपको डर है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है करके देखते हैं, और तब आप अगर बाहर जा रहे हो तो सोचो, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है बाहर जाने के लिए। सिर्फ कुछ बच्चों तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए माता पिता का पैसा रहता भेज देते हैं, वही दिक्कत करेगा वो बाहर भेजने से। अगर बच्चा सीरियस नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, तो आप बाहर भेजेंगे वो बहुत सारे, मैंने तो देखा है ना कोटा वोटा में, उस वक्त कोटा का मैंने कंडीशन दे रखा था, बच्चा भाई महीना महीना तक गायब रहता है, कहाँ रहता है क्या करता है कोई पता रहता पता नहीं रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बस घूम रहे हैं इधर से उधर, वही आपको पता नहीं लगता है ना कि कौन किसका कितना लिमिट है। अगर मूवी देखने जब देख रहे हो आप तो पता लगता है कि बैक टू बैक आप दिन भर मूवी देखते जा रहे हो, दो तीन मूवी रात भर में देख के ख़त्म कर दिया और दिन भर सोए रह गए, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। फ्रेंड के साथ पता ही नहीं लगता कि गप करने बैठे तो दो घंटा हुआ, तीन घंटा हुआ, घर पे ऐसा नहीं हो सकता है। घर पे आप गप भी करोगे कुछ भी करोगे, ठीक है, तब भी आपको टाइम लिमिट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन बोलेंगे भाई आप रात को 4 बजे सोओगे तब भी सुबह 6-7 बजे उठा देंगे गार्जियन, नहीं उठाएंगे तो 6 से 10 होगा, उठाएंगे ही उठाएंगे आपको, क्यों सोए हो रीजन बताओ, बार बार जाके आपको परेशान करेंगे। छोटे बच्चों को मैं सदैव कहता हूँ कि जो बच्चे जो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, जो अपने कैरियर के लिए डेडिकेटेड नहीं है, जो कहते हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा नहीं होगा तो वो बच्चे भाई बाहर जाने से परहेज करें। गार्जियन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है उस बच्चों को बाहर मत भेजिए, जब सीरियसनेस उसमें आ जाए, ग्रेजुएशन तक पहुँच जाए, इंटर कर ले तब जाके आप बाहर भेजें, अभी बाहर ना भेजें। वो बाइक खरीद लेगा, बाइक लेके दौड़ाता रहेगा और एक ना एक बार एक्सीडेंट होना ही होना है उसका, ऐसे वाले बच्चों का यही हाल है, बाइक खरीद लेना है दौड़ाता रहना है शहरों पे, उनको आइडिया रहता है नहीं शहरों में चलने का, नया नया वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो बदमाशी करते ही हैं, और शहरों में दूसरों का देखा देखी करते हैं, यहाँ से गर्ल्स जाएंगे वो भी शहर की लड़कियों से देखा देखी करेंगे, अगर वो ऐसा पहनते तो मैं नहीं क्यों नहीं। तो भाई आपका अपना कल्चर है, उसका अपना कल्चर है, उसका करने का तरीका अलग है, उसका वेपन मेरा भी होना चाहिए, अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। किसी चीज़ को अच्छा या ख़राब नहीं कहता हूँ, पर आप एक दिन में थोड़े ना दूसरे जैसा बन जाओगे, तो आप जो हो आप उसको पहले बना कर रखो, धीरे धीरे चेंजेज आ सकता है, पर एकाएक बदलने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान तो करेगा ही करेगा। सब मिला के मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता पे आप प्रेशर ना बनाएं, सबसे पहले तो प्रेशर ना बनाएं बाहर भेजने के लिए, कि आपकी सहेली जा रही है, आपका दोस्त जा रहा है तो मुझे भी जाना है, ठीक है, दूसरा का देखा देखिए, अब मेरा बॉयफ्रेंड जा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है तो भाई उसके पीछे पीछे मुझे भी जाना है। तो ये माता पिता का प्रेशर बना, उनकी चीज़ों को समझे। एक चीज़ और जानिए कि बाहर जाइएगा पैसा अच्छा खासा खर्चा होगा, और खर्चा होगा ये दबाव आप पे आने वाला है। आज गार्जियन जिद करोगे तो भाई बच्चों के लिए गार्जियन कुछ भी कर देता है, अभी तक उनका पैसा स्टॉक में है, स्टॉक में मतलब इतना दिनों में उन्होंने पैसा सेविंग किया है, अब वो पैसा अगर बहुत डिमांड करोगे ठीक है देखते हैं भेज के पैसा, ठीक है कमा ही लेंगे ले ही आएगा, फिर बाद में भेज देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कैसे आएगा। यही साथ मेरे साथ भी हुआ था, गार्जियन ने मुझे कोटा भेज दिया, जब मैंने कहा कि मुझे एकेड रहना है तो मेरे पास माता पिता ने जी कहे कि भाई कैसे हो पाएगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा, जब महीना देने के लिए उनके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति आया था। वो अलग बात है कि मेरा थोड़ा सा कैरियर ऐसा रहा है कि मुझे जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत रही वो चीज़ मेरे पास रहा है। अगले दिन पिताजी का फोन आया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें जैसे करना है करो, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अलग बात है। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं रही है, जितना मुझे ज़रूरत है तो उतना रहता है, पर हर किसी के पास ऐसा नहीं होने वाला। गार्जियन हो सकता है आज का पैसा देखें और भेज दे तुमको, फिर बाद में 11-12 में बाहर चले जाओगे, हो सकता है ग्रेजुएशन में फिर दिक्कत आ जाए तुम्हें कि पैसे तुम अभी सब उड़ा दो, ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको। मैं IIT नहीं निकाल पाया तो मेरे पिताजी रो रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल थक गया हार गया, मैंने पूरा जितना मेहनत कर सकता था जो भी कर सकता सब कुछ किया, यानी कि उन्होंने सारा पैसा जो भी था सब कुछ लगा दिया था कि मैं IIT निकाल लूँगा। तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे अगर सब कुछ एक जगह इन्वेस्ट कर दोगे आप तो सब कुछ गंवाने का चांसेस बढ़ ही जाएंगे आपके, तो ऐसा आप अपने साथ मत कीजिए।
सब कुछ एक साथ मत लगा लीजिए। अगर आप भाई करना चाहे पैशनेट हो तब तो बात ही अलग है, पर यदि अगर आप पैशनेट इस प्रकार से नहीं है, थोड़ा सा भी अगर भाई देखा देखी कर रहे हो कि वो मेरा दोस्त जा रहा है मैं भी जाऊँगा, और उसके लिए आपने अपने माता पिता के सारे जमा पूंजी ले लिए और उसको गवा दिए, फिर क्या करोगे? कल माता पिता आपसे सवाल पूछेंगे, ये याद रखना। जितना ज़्यादा खर्चा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ खर्च किए। कल माता पिता आप पे ताना मारेंगे, और ये बाद में समझ में आता है जब ग्रेजुएशन करके जब जॉब की बात आती है ना, देख ही रहे हो जॉब का क्या स्थिति है। इतना जो पैसा खर्च कर रहे हो इसको बचा कर रखोगे या कर आपके बिजनेस में काम आएगा? अगर आप इसको फिजूल में उड़ाते हो, इसको आप पढ़ाई के नाम पर उड़ाना कह रहे हो, पढ़ाई के नाम पर, भाई पढ़ाई का मतलब होता है कि हम उसको जितना हमको मिल रहा है उससे ज़्यादा हम लें। हम जो जा रहे हैं ना कोचिंग में जा रहे हैं, जितना आपको टीचर पढ़ा उससे ज़्यादा हम लर्न करें, उससे एक्स्ट्रा लर्न करें, तब जाके आप उतना पैसा फूंक सकते हो। उन लोगों का क्या, उन लोगों को तो पैसा लेना है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तब भी मैं कहता हूँ, तब भी बाहर जाने पर के लिए आपको सोचना चाहिए। अगर आप पे पढ़ाई का वो जुनून नहीं है या वो चीज़ें नहीं हैं आप में, वो तो पैसा नहीं है, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ पैसे की बात नहीं, पैसा है हम जाएंगे भाई, बाहर के देख रहे हो कि कंडीशन भी कितना ख़राब है। आप कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल देखो, सब लोग वहाँ से भाग रहे, तुम जा रहे हो। पटना में पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली से ही बुरा है, कहाँ जाओगे? कोटा का चलो ठीक है, कोटा तो ठीक है, वहाँ क्राउड है, बच्चे का बल्क है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा होती है, कि बच्चे पर कंट्रोल नहीं होता, गार्जियन नहीं वहाँ पे, लड़के लड़कियों पे कंट्रोल नहीं है, लड़कियों पे कंट्रोल नहीं है, लड़कियों के माता पिता यहाँ ना, लड़कियाँ माता पिता है देखने के लिए तो वो कुछ नहीं कर रही है अपने घर में दबाव पर, जहाँ पर सोचोगे माता पिता नहीं है वो कुछ भी करेंगे, दिन भर गायब रहेंगी घर से, और इसका असर लड़कों पर पड़ेगा। कोई गर्ल्स फोन करके बोल दे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तुम चाहे कुछ भी हो, तुम कल का क्लास कैंसिल करके चले जाओगे तो मूवी देखने, इतना तुम्हारे पास समझदारी थोड़ी ना है कि तुम मना कर दोगे कि नहीं यार कल मेरा क्लास है, यार एक डेली क्लास ही करोगे, तुम छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम छोड़ भी दोगे, सोचोगे अकलमंद हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे, वही कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जैसा लिस्ट है, जो उस वक्त कोटा में पढ़ते थे, उस वक्त कंडीशन बता रहा हूँ मैं 2009 में मैं कोटा में था, जो वहाँ से पास करके निकला था मैं। बहुत सारे नुकसान हो सकती है वहाँ, ऐसा नहीं कि एकाध, तो अगर आप ऐसा डेडिकेटेड नहीं हो तो बाहर जाने से आप बचें। आजकल आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी और भी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है तो मैं उसको ऐसे ही बच्चों को लिए मैं बोलता हूँ कि क्या करना है आपको, आपको सेलेक्ट करना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? आप देखा देखी करने लोगों को एकदम नीचे गिरते चले जाओगे। आज जो होना स्कूल पे सीधे सीधे एकदम नीचे गिर जाओगे, जो कह देंगे गार्जियन के पढ़ा नहीं, पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, पूरा तुम्हारा भाई रहन सहन जो रूटीन है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो वो सभी सारे चीज़ों को देखना है। वो बच्चे बाहर जा भी रहे उनको भी मैं कहता हूँ कि आप डेडिकेटेड होइए कि हम इस पर्पस से आए हैं, उसके बाद मुझे ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं है कि मैं खैनी सिगरेट दारू ये सब नहीं पीता हूँ, मुझे नहीं पीना है, तो चाहे वहाँ पे कोई कितना भी एक्सक्यूज दे दे, आप कह दीजिए भाई नहीं तो नहीं। घर से आप तो उसी प्रकार से मुझे ये काम नहीं करना है, तो चाहे कुछ भी कोई कितना भी डरा दे, कुछ भी कर ले, कितना भी हो जाए, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। मेरा ये लिमिटेशंस है, मेरे घर वालों ने ये लिमिटेशंस रखा है, इस लिमिटेशंस के अंदर ही मैं यहाँ रहूँगी। ये आपको बाहर अपना दायरा बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, देख देख के दूसरे से सीखोगे कि वो सिगरेट पी रहा है मैं भी लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो भाई अब सिगरेट पियो कल दारू पियो के फिर दिन में पड़े रहोगे नाले में, फिर हो गया पढ़ाई तुम्हारी। मैं नहीं कहता हूँ कि क्या खराब है क्या सही है क्या गलत है, मैं इसके बीच में मैं जाता ही नहीं हूँ, पर मैं बस कह रहा हूँ कि आपका क्या बर्बादी हो सकता, आप जो है वैसे तो बने रहो कम से कम, जो चेंजेज आएगा धीरे धीरे आ जाएगा अलग बात है, पर बच्चों में क्या होता है ना, रोक नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड था मेरे कॉलेज में, मतलब दिन भर में वो 10-20 को गुटखा खा जाता था और वहीं पर रूम में थूकता रहता था। अब मेरे से पहले से रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, रूम में 3-3 लोग हैं, वहीं पर बैठ के कोना में थूक रहा है। ये स्थिति है, एक दिन में 10-10 गुटखा, रात भर में, दिन भर तो छोड़ दो, एग्जाम देने जाएगा ना, और पैसा भाई कहाँ से इतना गुटखा खरीदेगा? तो कभी इस लड़के को पकड़ेगा, कभी उस लड़के को पकड़ेगा, चलो यार चाय पीते हैं। अब तो आप पढ़ने में भी वो लड़का अच्छा था तो जाना पड़ता था, क्योंकि हेल्प की जरूरत पड़ती थी मुझे उससे, तो जाना पड़ता था, गुटखा खरीदा पैसा दे दो, पैसा ले लिया, कभी मेरे से कभी उससे, तो उस पर लोड भी नहीं पड़ा, अकेले उसको देना पड़ता तो डेली का खर्चा उतना हो जाता, और 10-10, 20-20 ला रहा है वो, एक एक बार में 2-2 गुटखा डाल रहा है मुँह में। तो क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है ना कि वो लिमिट नहीं रहता है। एक होता है ना कि कुछ लोग ठीक है खा रहे हैं तो वो रोक के रखते हैं अपने आप को, बच्चों में है ना कि लगता है कि एक ही दिन में इतना खा लें कि खत्म एकदम, फिर मन ही नहीं करे खाने के, इस पर आ जाते हैं बच्चे। इस प्रकार से बाइक चला रहे हैं तो उसको लगता है कि आज ही हम सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो स्पीड उनका ऐसे छूता है, और एक बार एक्सीडेंट होता है उसके बाद समझ में आ जाता है नहीं, उसके बाद लिमिट में आ जाते हैं वो। तो यही है बच्चों में, बच्चों में रेस करेंगे, दूसरा चला रहा था रेस में लगा दिया,
तो ये सब दिक्कत आती है और वो एकदम से ना तुम्हें कहाँ से कहाँ ला देगा ना, समझ में नहीं आएगा। मैं गया था दिल्ली गया था मैं UPSC का प्रिपरेशन करने, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने, वहाँ मुझे डेंगू हुआ, घर आया, एक महीना पढ़ा। अब सोचो कि वहाँ पर 1,00,000 फी देना है। खैर मनाओ कि मैंने एडमिशन नहीं लिया था, अगर एडमिशन ले लेता और मैं बीमार पड़ जाता, उसके बाद मैं एक महीना रुक जाता तो कैसा लगता है? पैसा भी लगा हुआ है, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, कैसा फील होता? मेरे अंकल IAS ऑफिसर हैं, वहीं पोस्टिंग था उनका। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तुम लोग झेल नहीं पाओगे। तो अब भाई अब कहोगे कि भाई झेलने वाले तो झेल ही रहे, झेलने वाले झेल रहे, उस पर डेंगू सभी को हो रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे स्पेशली हो गया, सबको हो रहा था, बहुत सारे फ्रेंड को हुआ, करने वाले कर ही रहे हैं, पर मेरे थोड़े पैर ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव थे, वो मेरे लेके चले आए घर पर और घर पर बैठा के मुझे एक महीना तक घर ही पर बैठा, जाने नहीं दे रहे। अब नहीं जा रहे तो पीछे आ गया मैं, अब फिर से मैं कैसे जाऊँ? फिर मैं वहाँ दिल्ली नहीं जा पाया, मैं भोपाल चला गया, वहाँ फिर से मैंने तैयारी की, अर्जेंट जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर अब उधर गया था मैं, कोटा की बात करूँ तो उस वक्त फैला था ये चिकन पॉक्स वाली बीमारी, चिकन पॉक्स भी मुझे हुआ था, एक सप्ताह के मेरे क्लास उधर बंद हुआ था, और आज ही वो सब्जेक्ट जो छूटा था मुझे, उसमें दिक्कत आती है मुझे। इसके अलावा पटना, उस वक्त जो पटना कंडीशन था, जो भी जाता था पीलिया कढ़ाई के आता था, पानी वहाँ का ख़राब है, वहाँ एक महीना आके कम से कम वो घर पर जरूर बैठता था, बेड रेट दे देता था। एक साल एक महीना का बेड रेट में तुम कितने पीछे चले जाओगे? सोचो 11th-12th का कोर्स है, एक महीना तुम जो तुम सोचे गए थे एडवांस निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, कहाँ पे चले आए तुम? एक महीना तुम्हारा रुक गया पढ़ाई और बिल्कुल बेड रेस्ट पे डाल दिया, कोचिंग तो कोचिंग छूटा, पैसा का पैसा लगा हुआ है, ऊपर से यहाँ पे आ गए हो तुम। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं संभावनाओं से आपको अवगत करा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ। जान लीजिए कि जो उस वक्त ना पटना में हर किसी को लगभग होता ही था, जो भी जाता था, क्योंकि हम लोग हर जगह पानी पीने की आदत रहता है। अब तो खैर हिलसा में भी देख रहे हो कि बोरिंग का पानी हो गया, सब लोग अब फिल्टरेड पानी ही पीता है, तो वहाँ भी जाकर फिल्टरेड ही पानी पिएगा। अब थोड़ा सा लगाम लगा है, पर उस वक्त तो हर किसी को लगभग होता ही था, एक महीना का बेड रेस्ट रहता ही रहता था, और सारा का सारा उसका जोश खत्म हो जाता था उसी में कि आप हमसे निकल रहे। अब तो एक बचाया था उस वक्त में, उसको भी मैंने पढ़ाया था, हिलसा आया कि अब तो मेरा छूट गया, ये चीज़ छूट गया, पढ़ा दीजिए हमको। तो अब उसका स्थिति आ गया कि बोर्ड एग्जाम कैसे भी निकल जाए हमारा। अब एक वीडियो मेरा अपलोडेड है इसी चैनल पे, मोटिवेशनल वीडियो में एक बच्चे का इंटरव्यू लिया है मैंने, यहाँ पे हिलसा में पढ़ाया, वो पटना पढ़ा था, आकाश इंस्टीट्यूट में 1,50,000 रुपया देकर आया था बच्चा, और उसको आया और एक महीना बचा था एग्जाम से पहले, 12th एग्जाम से पहले, तब उसके पिताजी मेरे पास आया था और कहा था कि इनको सारा सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। एक महीना में 11th-12th का मुझे पूरा तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना था उस बच्चे को, एक महीना में। मैंने कहा ठीक है, रिविजन ही कराना होगा, पढ़ा तो होगा ही। मैंने किताब खोला, उसको चैप्टर का नाम नहीं पता, चैप्टर फॉर्मूले क्या नहीं पता, अंदर पढ़ना क्या हो, चैप्टर का हेडिंग का मतलब नहीं पता, और ऐसा नहीं कि एक आध चैप्टर का, पूरा किताब ही नहीं पता उसको। यानी कि उसने 2 साल किया क्या? काकास इंस्टीट्यूट में जाकर उसने किया क्या? ऐसा थोड़ा ना कि इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, उसका जाइए, उसका इंटरव्यू मैंने लिया है, उसको रिकॉर्डेड है, उसको सुनिए। काकास इंस्टीट्यूट का तो ऐसे ही हालत ख़राब है, वो खास पटना वाला, पटना का फिटजी है, आकाश है, सबका वैसे ही वही हाल है, जो भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है ना पटना में, उस सबका वही हाल है। आपसे पैसा चला जाएगा हाथ से, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समझ सोच रहे हैं कि हिलसा मतलब पटना के टीचर बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही क्वालिफाइड होंगे, हिलसा में तो सब ऐसे ही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पटना से भी बहुत खराब रिजल्ट आता है, वो जो भी नाम दिखाते हैं वो सभी एक ही बच्चा करता है, और सभी कोचिंग वाले उसका नाम छापे रहते हैं, पर पटना का रिजल्ट बहुत ही खराब है। स्पेशली बात कर रहा हूँ JEE Mains एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। मेडिकल के लिए विशाखापट्टनम में मेरी फ्रेंड की भी गई थी एक, उसने भी करके आया, वहाँ से अच्छा रिजल्ट निकाल के आई है। विशाखापट्टनम में कोई इंस्टीट्यूट है चैतन्या, एलन तो है ही, एलन कोटा का इंस्टीट्यूट है, वो भी बेहतर करा रहा है मेडिकल ही, खासकर जो इंस्टीट्यूट है वो चैतन्या, वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप लोग देख सकते हो। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं पढ़ के, जो उनका रिजल्ट हो रहा है और जो जैसा फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार मैं बताता हूँ। सब मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अगर हिलसा में रुक जाते हैं, ठीक है, जो एबल है वो जा सकता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है, बताना मेरा काम है, लेकिन जो बच्चे यहाँ रुक जाते हैं वो कम से कम ये सब न डरे कि वो हम बाहर चला गया तो हमसे आगे निकल जाएगा, तेज़ हो जाएगा, नहीं, उसको पीछे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं बाहर, अपना खाना बनाना है उसको, अपना कपड़ा धोना है उसको, तो समय उसमें बर्बाद होगा ना। बहुत पैसा वाला है तो चलो मेस कर लेगा, धोबी को देगा, बहुत पैसा वाला है तो, पर फिर भी बहुत सारे काम उसको खुद से करने पड़ेंगे, जो आपको घर में मम्मी पापा करके दे देंगे, उसका भी समय तो बर्बाद होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा कुछ कर लेगा। हाँ, एडवांस के लिए कुछ एक है चीज़ें जो भाई आप कर नहीं सकते हो हिलसा में, तो अगर आपको करना है तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, लेकिन मजबूरी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अगर आप बेवजह जाते हो बाहर, जो गार्जियन कि हमारा बच्चा तो दम बाहर ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो गया है,
तो उनको नुकसान होगा, बच्चों को गवा देंगे, बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे को वो गवा दें। तो पैसा कितना भी रहे उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए कि अपना देखना चाहिए कि बच्चा कितना सीरियस है और कितना डेडिकेटेड है और कितना हमसे कनेक्टेड रहता है, कितना हमारी बातों को मानता है। कहीं कुछ कोई गलती करता है तो क्या मेरी बात बोलने पे, क्या मेरे बताने पे वो फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, मैं कहानी सुना रहा था अपने एक स्टूडेंट का जो आकाश से पढ़ के आया था। उसका क्या हुआ कि एक महीने मुझे दिया गया, उसको कुछ नहीं पता था। एक महीने में खैर उसने बच्चा कितना मेहनती था कि वो बच्चा डेली 6 से 7 घंटा डेली पढ़ा यहाँ, उससे ज़्यादा मैं सुबह से शाम तक उसे बैठा रहता था, कोचिंग में बैठा रहता था, खुद से बनाता रहता था। पहले मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैंने पहले पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाते थे, उसको क्वेश्चन कराते थे, क्योंकि इतना कम समय याद कैसे होगा उसको जब तो कुछ देर तक उस चीज़ को देखता ना रहे। उसके बाद और उसने निकाला, उसने वो लड़का प्री बोर्ड में फेल हो गया था, 12th का प्री बोर्ड जो होता है CBSE में, उसमें वो फेल हो गया था लड़का। उसके बाद उसने क्रॉस किया, उसके बाद 12th बोर्ड में सिर्फ निकाला ही नहीं, फर्स्ट डिवीजन से उसने क्रॉस किया, जबकि उसको उसके माता पिता कहते फेल हो जाएगा, लग ही नहीं रहा कि पास हो जाएगा, उसको कुछ नहीं आ रहा था। इतना काबिल लड़का, कहने का मतलब है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना काबिल लड़का जो कर सकता था वो बाहर जाके क्या करके आया था। तो अगर वो ऐसा कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते, क्या आपसे ऐसा नहीं हो सकता? उस बच्चे को देखो कितना मासूम सा बच्चा है। उससे मैंने कई बार पूछा सवाल ये कि अरे तुम कर क्या रहे थे वहाँ, तो वो कहता है कि समझ में नहीं आता था वहाँ, कि ये सब झूठा मूठा बहाना रहे, क्योंकि समझ में नहीं भी आएगा तब भी तुमको चैप्टर का नाम तो याद रहेगा, कुछ तो पता रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा, तुमने कभी क्लास किया ही नहीं, तुम अगर क्लास में गए होते बैठते तो तुम्हें पता होता, तो वो बच्चा कुछ हो सकता छुपा रहा हो। तो ये सब चीज़ें आती है कि बच्चा हो सकता है साल भर क्लास ही ना जाए, किसी चीज़ के चक्कर में पड़ जाता है, प्यार हो जाता है। इसका क्या उपाय है? घर में माता पिता को जूता चप्पल लगता है, सब प्यार का नशा टूट जाता है, पर वहाँ बोलने वाला कौन है? हो सकता है कि एक कोना में पड़े हों, किसी की यादों में ख़त्म हो गया, साल भर बीत गया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, फिर बच्चा अपने मन से डिसीजन भी ले लेता है कि भैया उसके बगैर मेरी ज़िंदगी क्या है, फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। इसी चक्कर में तो ये सब हाल होता है, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर ऐसा होता है। बाहर के बच्चे अपने मन से डिसीजन कुछ ले लेते हैं, उनको लगता है कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया, अब तो मर जाना है बस, अब हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, कई बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, कभी एकदम एक लगता है एक ही दिन में हम सब कुछ कर लेंगे, एक ही दिन में एकदम हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे, और कभी हो जाता है कि हमसे हो ही नहीं सकता है कुछ। तो जब घर पर रहता है तो माता पिता उसको रेगुलर बात करते हैं, उसे मोटिवेट करते रहते हैं, कह रहे कुछ हो गया, कुछ चीज़ हो गया, तो एग्जाम पास नहीं किया तो क्या हो गया, पर बाहर ये नहीं हो पाता है। यदि बाहर जाते भी हो तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि अपने गार्जियन से रेगुलर टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए, अपने माँ से अपने पिता से रेगुलर बात करते रहिए, तो क्या होगा कि कोई परेशानी होगा तो बता देंगे। तो जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें थी कि बाहर जाने पे क्या क्या परेशानियाँ हैं, बहुत सारी हैं, मैं कुछ एक गिना पाया, कुछ मुझे याद भी नहीं है, दिमाग में नहीं है, हो सकता है मेरे बाद में याद आए तो मैं आपको बताऊँ। तो अब उन बच्चों पर आते हैं जो यहाँ रह जाएंगे। रहना किनको है भैया? जो माता पिता जिसको नहीं भेजना चाहते हैं उन बच्चों को एकदम माता पिता पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर वो इच्छा है वो भेजना चाहते हैं वो भेजें। गार्जियन को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई वो बच्चों को देखें कि बच्चा क्या सीरियस है, बाहर रहने लायक है, मैच्योर्ड है, इतना समझदार है, इतना अगर है तो भेजिए, वरना अननेसेसरी बच्चों को दूर दराज नहीं भेजें। अगर अनमैच्योर्ड बच्चा है, वो समझदार ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे बच्चों को बाहर ना भेजें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। अब मैं आता हूँ उन बच्चों पर जो हिंसा में रह जाएंगे। देखो, जनरली जो अजीबोगरीब सब्जेक्ट लेने वाले हो, ठीक है, और जिसको कैरियर में पैशनेट हो कि मुझे ये सब चीज़ करने से इकोनॉमिक्स में मुझे करना है या फिर हॉस्टेज बनना है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो उनको तो बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। तो उन सब बच्चों को पहले चार्ज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ जो बच्चे रहेंगे तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो यहाँ मिल जाएगा वो ले लेंगे, वो ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट उपलब्ध है? तो यहाँ पे जो आप कॉलेज है आपका, जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है वही सब सब्जेक्ट हैं आपके पास, और वो सब सब्जेक्ट है तो उसमें है इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के भी कई सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ भी, उसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तो देखिए, 11th 12th के बच्चे हैं जो बहुत ही अनमैच्योर्ड होते हैं, वो खुद से पढ़ेगा नहीं, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि वो दिन रात पढ़ सके खुद से, ठीक है। कुछ एक बच्चे ही होते हैं, मुश्किल से 5 से 10% बच्चे ही होते हैं जो खुद से पढ़ेगा, बाकी को मार मार के पढ़ाना पड़ता है, उसको कोचिंग देना पड़ता है। कितना भी डेडिकेटेड लड़का है ना, दिन में घर में बैठा रहा तो मोबाइल इधर उधर करता रहेगा, उसका समय बीत जाएगा। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग में आ रहा है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, ठीक है। पढ़ने में कमज़ोर, यार तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो पहले ये डिसाइड कर लो। क्या तुम डिग्री चाहते हो सिर्फ? सिर्फ डिग्री तो नहीं चाहते। अगर सिर्फ डिग्री चाहते हो कि भाई कैसे भी हमको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाए, बस काम बन जाए मेरा,
इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है, तब तो कोई बातें नहीं है। और वो लड़कियां कर सकती है, क्योंकि लड़कियों को बस डिग्री दिखाना होता है कि हमारा इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, बस परसेंट देकर शादी हो जाएगा। अगर कोई लड़की ये नहीं चाहती है कि भाई हमको डिग्री के अलावा हमको नॉलेज भी चाहिए और उसका हम इस्तेमाल भी करें रियल लाइफ में, तो उसको सब्जेक्ट थोड़ा सा सोच समझ के सेलेक्ट करना चाहिए। आसान सब्जेक्ट की तरफ ना भागें कि हमारा ये मुश्किल है, ये आसान है। अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट, तो सबसे पहला है कि कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती है। कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाएगा, बहुत सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, पर यहाँ पे देखिएगा तो साइंस की ही कोचिंग चलती है सिर्फ। यदि आप साइंस के अलावा कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ लोगे, क्या पढ़ोगे? तो आपने जिसको कहा कि ये मुश्किल है, देखो एक तो है कि बोर्ड एग्ज़ाम सबका आसान होता है। अगर आप साइंस भी लोगे तो आपको सिर्फ बोर्ड पास करना है तो बोर्ड पास कर लोगे, और इसकी क्लासेज होती है, तो क्लासेज होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। और जो आसान भी सब्जेक्ट है, क्लासेज नहीं किया, क्लासेज होता नहीं है, क्लासेज किया नहीं तुमने, उसके बाद यदि पढ़े नहीं हो तो कितना भी आसान सब्जेक्ट हो वो मुश्किल ही होगा, पढ़ा हुआ ही नहीं है। अंत में गेस गार्ड लेके आप छाप छाप के लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में तो वो हो नहीं पाएगा, उसमें तो कड़ाई रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि आप कॉलेज में जाने के बाद वो जो ग्रेजुएशन में जाओ तो वहाँ पे आप छाप छाप के लिख भी दो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड ईयर में, पर यहाँ तो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या करें? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप साइंस सब्जेक्ट लें। देखो ये मेरा सलाह है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेना चाहिए, ज़रूरी है। क्यों? मैं इस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि क्यों लेना चाहिए। एक तो सबसे पहला किसकी पढ़ाई होती है, अब कहोगे सर हमको फंस जाएंगे, हमको बाहर आगे पढ़ना पड़ेगा, एक है कि दूसरा कि आप जैसे ही ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, साइंस से आर्ट्स आप ले सकते हो। मेरे भाई ने भी लिया था, बहुत लोगों ने लिया है, तो आप ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो साइंस लेने के बाद, ठीक है। तो साइंस लेने से फ़ायदा ये है कि आपकी क्लासेज होगी, आप पढ़ोगे, पहले तो पढ़ोगे। आप कहोगे सर फ़ायदा और क्या फ़ायदा है, तो और फ़ायदा ये है कि साइंस के अलावा आर्ट्स या इकोनॉमिक्स जो भी है वो सब चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हो। साइंस का पेपर ऐसा है कि यदि आपने आज छोड़ दिया तो वो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, और यदि आप जनरल कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, और वो आएगा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि आपका छूटा हुआ रहेगा। आर्ट्स आप पढ़ भी लोगे पर साइंस अगर एक बार छूट गया आपका लिंक तो वो उसके क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, उसके फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन वो नहीं बन पाएगा, बायो के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपसे। और ये जो साइंस है वो हर जगह आता है, अगर आप SSC का एग्ज़ाम ले जाओ, देने जाओ, CGL का एग्ज़ाम जाओ, मैथ का एक अलग से ही पेपर आता है। इसके अलावा आप कोई भी चाहोगे तो GK का क्वेश्चन आता है, उसमें साइंस का आप ही ज़्यादा वेटेज रहा है, आपका हिस्ट्री जो है वो सब चीज़ों को कम करता जा रहा है, या 10-20 चीज़ों को कम करता जा रहा है जो आपके रियल यूज में है, उन सब चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो साइंस से क्वेश्चन बढ़ता चला जा रहा है। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आता है तो साइंस से ही क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल कंपटीशन में मैंने बता ही दिया, SSC जाओ, रेलवे जाओ, कोई भी एग्जाम जाओ, आप बैंकिंग में भी जाओ, उसमें भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन और भी ऐड हो जाते हैं, मैथ क्वेश्चन तो रहते रहते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन रहते हैं, तो हर GK में क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं उसमें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर आता है, या फिर जनरल नॉलेज में भी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर UPSC करने चले जाते हो आप, UPSC ये सब एग्जाम है ना जो घर पे बैठे तैयारी कर सकते हो, जो आपको बाहर जाने की जरूरत है वो हम मुझे लगता है कि IIT एडवांस या JEE एडवांस जिसको कहते हैं उसी के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत है। बाकी सभी चीज़ों के लिए आपको बस गाइडेंस की जरूरत है, बाकी पढ़ने के लिए कंटेंट मटेरियल जो भी चीज़ें हैं वो आप मंगा भी सकते हो और उसे घर पर बैठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो जिसको हम खुद से पढ़ सकते हैं भाई, जहाँ पे समझाने की टीचर जरूरत पड़ती है, वहाँ समझाने के लिए जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं जहाँ पे हमको समझ में नहीं आ, बट पढ़ की जो चीज़ें समझ में आ जाती है उसके लिए हमको टीचर की जरूरत क्या है? उसके लिए हम ज़्यादा पैसा लगाएं और इतना रिस्क लेके हम बाहर क्यों जाएं? लोगों की भीड़ में फ्रस्ट्रेट होने, देखने यार वो बहुत तेज है हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब बस फ्रस्ट्रेशन होता है। घर में बैठ के करोगे आप आराम से निकाल लोगे, बाहर जाओगे आप देख देख के फ्रस्ट्रेशन होगा आपको बस। UPSC में साइंस का अलग पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का अलग पेपर होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका अलग अलग पेपर होता है, तो उसमें भी आपका आएगा अगर आप एक बड़ा ब्रॉड के लिए सोच रहे हो तो वहाँ पे भी साइंस, वहाँ पे आपको जानते हो अगर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम का आप तैयारी करने जाओ चले जाओगे ना, तो वहाँ पे स्पेशल आपको क्लास करना पड़ जाएगा, कोचिंग लेना पड़ जाएगा साइंस का, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है आर्ट्स वगैरह खुद से पढ़ भी सकते हो, ऐसे क्लासेस उसी भी करनी पड़ती है क्योंकि गाइडेंस के लिए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है। पर साइंस तो आप अगर आज छोड़ दिया ना तो पढ़ ही नहीं पाओगे, उसको लिए तो क्लास करना पड़ जाएगा तुम्हें। तो साइंस अगर आज छोड़ देते हो, अगर तुम 11th 12th में डर के साइंस छोड़ देते हो तो समझ लो कि साइंस तुम्हारे हाथ से गया, फिर आपको दिक्कत होने वाली। यदि आपने को भविष्य में साइंस को भी किसी भी कंपटीशन में चले जाओगे तो साइंस आएगा आएगा और वो दिक्कत करेगा करेगा आपको, तो कैसे उसको मैनेज करोगे? तो कितने नुकसान है, एक तो है कि अगर आपने साइंस के अलावा कुछ और सब्जेक्ट लिया तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे नहीं। हिल्सा की मैं बात कर रहा हूँ,
हिंसा में जो बच्चे रहेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। दूसरा एक सब कोचिंग होता है, आप मोटिवेट होगा भाई, अगर साइंस लोग होते हैं दूसरे दोस्त को देख देख के भाई तुम क्या पढ़े या फिर क्वेश्चन सवाल जवाब करोगे, तो साइंस लेने से ये फ़ायदा है। अगर आप साइंस नहीं लिए तो आपको दिक्कत होगा आगे आपको साइंस क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत करेगा वो। आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ सब जगह मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस में भी मैथ अगर लेते हो, बायो देखो दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैथ वाला भी ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैथ मुश्किल रहता है, मैथ बहुत ही आसान है। खासकर बिहार बोर्ड की मैं बात करूँ तो बिहार बोर्ड के मैथ के क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कुछ रख लोगे तो आंसर बन जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब देखते के साथ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, फॉर्मूला ही पूछ देता है सीधे सीधे, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर लाने के ज़्यादा चांसेस है। बायो में तो तुम्हें ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा उसके बाद नंबर आएगा, इसमें तो फॉर्मूला है भाई, कितने फॉर्मूले रहेंगे, वो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सारे फॉर्मूले पूछ रखे होते हैं, मैंने क्वेश्चन बना भी रखा है सोल्यूशन, जो इस साल एग्जाम हुआ है ना उसका सोल्यूशन बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर पेड है, तो उसमें जाकर देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसे आसान आसान है जो मुझवानी बनते जा रहे हैं, तो फ्री के नंबर आते हैं और मैथ में कोई गलती भी नहीं होने वाला है। तो मैथ और फायदा क्या है कि जनरल कंपटीशन में मैथ जो अगर तुम इलेवन ट्वेल्थ मैथ पढ़ जाओगे ना, तो जो 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 मैथ पढ़ के नहीं आए जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी तो आपने खाली पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एपीजीपी अथमेटिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये सब आपने टेंथ भी पढ़ा है, पर इससे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। और जब 11 12th का कॉन्सेप्ट तुम लगा दोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से बन जाते हैं, जिसको बाद में अगर आप जनरल एसएससी वगैरह तैयारी करने चलेगा तो उसका मैथ और कोचिंग करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला फिर से आपको पढ़ाएंगे वो लोग, ठीक है। सिक्वेंस सीरीज वाले जो कि आपके कब पढ़ने हैं, आपको 11th पढ़ना सिक्वेंस सीरीज, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो जनरल कंपटीशन में काम में आ जाएगा। अब देखो आपको अब कहोगे कि सर मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैथ मुझे समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता तो फिर आगे का तुमने क्या सोचा है, क्या तुम पढ़ाई नहीं करने वाले हो, क्या आप कंपिटेटिव एग्जाम नहीं देने दोगे, दोगे ना, तो अपने आप को तैयार करो। अगर नहीं देना तो ठीक है भाई, मुझे इस पढ़ाई से छोड़ना है हमको तो अलग बात है, तब तो बात ही खत्म होगी वहीं पे। 20 सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें सोचिए कि उसका फ्यूचर क्या है, क्या करने वाले हैं आप, उसमें आपको क्या फ़ायदा। सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम पास करने का मत देखो, अपना फ्यूचर भी देखिए। बोर्ड एग्जाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है, CBSE तो थोड़ा सा फिर भी आपको क्वेश्चन घुमाता है, बिहार बोर्ड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, एकदम हुबहू जो पढ़ के जाओगे किताब का, इस बार तो बहुत ही आसान पेपर दिया था उसने, बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है, तो उससे क्या हो जाता है कि गांव के बच्चे बिल्कुल फेल होने लगते हैं, क्योंकि जो बच्चे भाई गांव के बच्चे क्या रहते हैं, वो लोग काम धाम करता है बस एग्जाम देकर वो पास करना चाहता है, कभी पढ़ता नहीं है, वो लास्ट में जब एग्जाम आता है तो वो गेस गाइड खरीदता है उसी से पढ़ के जाता है, तो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए दिक्कत है, उसके लिए साइंस बैकग्राउंड ले लिया वो उसको दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि उसको समय नहीं मिलता है, वो गाँव का काम करना, घर को भैंस चलाना, बहुत सारे काम रहते हैं उसको, उन लोगों को उसमें वो बिजी रहते हैं। जो लड़की गर्ल्स वगैरह होती है गांव की, वो घर के काम में बिजी रहती है, तो वो कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है, वो सीधे एग्ज़ाम देने जाती है, तो वो सोचती है कि एक दिन पहले पढ़ें और बस हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, तो उन लोग को दिक्कत होता है, तो उसके लिए उनको भी ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट किया जाता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे कर लें, मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएँ, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को करना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना करंट में, उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत मुश्किल करेगा तो अगला साल जो कि मुश्किल करेगा थोड़ा बहुत पेपर जो टफ करेगा, पर उसमें भी करेगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या पूछता है, फॉर्मूला पूछता है। जो भी आपको मुश्किल सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। देखो मैथ एक और चीज़ बताता हूँ, मैथ क्यों लेना चाहिए, मैथ क्यों आसान है। मैथ अगर आप, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कैरियर में आप सिर्फ आप ग्रेजुएशन बोर्ड और जनरल कंपटीशन की ओर जा रहे हो तब मैं बातें कर रहा हूँ। यदि आप ये सोच के जाओ कि मुझे डॉक्टर बनना है तो थोड़े ना मैथ लोगे आप। डॉक्टर बनना अगर आपके दिमाग में डेडिकेटेड है कि मुझे डॉक्टर ही बनना, तब तो आपको अच्छा कोचिंग लेना चाहिए। एक चीज़ और, हाँ जैसे मैंने बता रखा है, जैसे आपको आपने सोचा है कि डॉक्टर बनना है हमें, ठीक है हमको बायो लेके पढ़ना है, पर मैंने पहले तो बता दिया कि अगर आप बाहर जा सकते हो तो बाहर जाना चाहिए, पर यदि आप गार्जियन पर सहूलियत नहीं है, आपको नहीं भेज सकते हैं बाहर, उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है या कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बाहर नहीं भेज सकते, तब भी आप बायो से मेडिकल वाली तैयारी आप घर बैठ के कर सकते हो, घर बैठ के किया जा सकता है। देखिए बायो में जनरली पढ़ना क्या रहता है, आपको बायो में बुक पढ़ लोगे आपका काम चल जाएगा, NCERT बुक को रटना रहता है, पूरा NCERT बुक रटिए, आपको केमिस्ट्री का पूरा बुक रटिए, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप रट सकते हो पूरा। उसके बाद क्या बचा आपका, फिजिकल बटा थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप थोड़ा बहुत तो खुद से भी कर सकते हो, आप पढ़ोगे देखोगे कैसे क्वेश्चन किया हुआ है, सोल्यूशन वगैरह देखोगे तो कर सकते हो, या फिर किसी का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा सेक्शन बच गया ना, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत छोटा सेक्शन बचा, तो उसको आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर कोई छोटा भाई बहन या पढ़ के बाहर से बड़ी बहन या बड़ा भाई पढ़ के आया बाहर से, ठीक है, तो उससे आप डिस्कस कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, या फिर यहाँ का टीचर भी है
कुछ ना कुछ टीचर तो होंगे जो आपको हेल्प कर देंगे, बहुत नहीं तो आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा सा सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ता है बचता है वो फिजिक्स का चैप्टर बचता है, फिजिक्स आपको तकलीफ देगा, बायो के बच्चों को फिजिक्स तकलीफ देगा, फिजिक्स में क्योंकि मैथमेटिक्स घुस जाता है और मैथ आप पढ़ नहीं रहे तो मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत कर जाएगा फिजिक्स, तो फिजिक्स तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत करना चाहिए, खासकर जो बच्चे बायो से मेडिकल करना चाहते हैं। मैं जितने लेवल को पढ़ाता हूँ वो आपको मेडिकल लेवल पे तो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, मैं जेई मेंस लेवल का भी क्वेश्चन आराम से बनेगा और मैं अभी बच्चों को करा भी रहा हूँ, तो आप यकीन करते हो मुझ पर तब तो ठीक है, अब यकीन नहीं करते हो तब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पर अगर आप मुझ पर यकीन करते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जेई मेंस का क्वेश्चन आपसे मैं जो जिस लेवल पर पढ़ाता हूँ जेई मेंस के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, और आपके जो नीट वाले क्वेश्चन जो मेडिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजीली बनेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही लेवल कम रहता है उसका, लेकिन दिक्कत इसलिए बच्चों को होता है क्योंकि वो मैथ से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, तो मैथ का जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, जो मैथ है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो बिना मैथ जाने आपको फिजिक्स नहीं होता है, तो आप कहोगे सर मैथ हम तो पढ़ नहीं रहे तो क्या फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, नहीं मैथ फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाते हैं वो अलग बात है, खेलसा में बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वो छोड़ देते हैं मैथ में, जो आप नाइन्थ में पढ़ रहे हो वही सब चीज़ें फिर से पढ़ा देंगे और कहेंगे भाई क्योंकि उसमें मैथ की क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपको वेक्टर अलजेब्रा जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ सर बहुत सारे कोचिंग वाले वही नाइन्थ में जो तुम पढ़ के आए हो ना वही सब पढ़ा के रख देंगे वो, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको इतना मैथमेटिक्स चाहिए तब जाके आपको क्वेश्चन बन पाएगा, पर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान रहता है, तो यदि आपको उस लेवल पर प्रैक्टिस रहेगा तो आप बहुत ही आराम से नीट वाले क्वेश्चन को बना सकते हो। कहने का मतलब है यदि आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर आप बायो लेके पढ़ रहे हो और आपके पास किसी भी कमी के कारण आप बाहर नहीं जा पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो हिल्सा से भी आप तैयारी कर सकते हो, तो बिल्कुल दिमाग में डर भय ये सब मत रखें, एकदम आप निश्चिंत रहें, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ है कि भाई कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्रैक्टिस में ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कोचिंग वाले तो टेस्ट वेस्ट नहीं लेते हैं, मैं भी क्या एक सब्जेक्ट ज़्यादा फिजिक्स का ले पाऊंगा, इसका भी उपाय है, इसका उपाय है आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, आप टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस में रहिएगा, क्वेश्चन नए नए मिलते रहेंगे, आप चेक भी कर सकते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस फिजिक्स का लेवल क्या है वो आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं सेट नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर यहीं के टीचर पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन सेट करेंगे तो आपको भाई वही क्वेश्चन दे देंगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, पर मैं तो कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी कोचिंग का आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद कुछ एक बहुत सस्ता में ज्वाइन हो जाएगा आपका, क्योंकि तो फ्री में भी टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको, अगर ज्वाइन कर लेंगे तो क्वेश्चन मिलता रहेगा, उसे आप चेक कर सकते हो अपने नॉलेज को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से चेक कर सकते हो कि आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मेडिकल वाले बच्चों तो बेवजह डर रहे हैं, अब जो आता है जेई मेंस वाले बच्चे, वहाँ का तो मैं कह रहा हूँ कि हिल्सा में तैयारी करा भी नहीं कोई पाएंगे, उसका लेवल भी चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए, तो मैं भी उस पर मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि उसके लिए एक टीचर से नहीं हो पाएगा। तो जेई मेंस तो आप लोग कर सकते हैं, जेई मेंस की तैयारी भी यहाँ से बैठ के कर सकते हैं, जेई मेंस निकाल भी सकते हैं, जेई मेंस निकाल के आप NIT वगैरह कॉलेज में जाकर इंजीनियरिंग का डिग्री ले सकते हैं और वो हिल्सा बैठ के किया जा सकता है। फिजिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको केमिस्ट्री कवर करना है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है, बाकी मैथ कवर करना, तो मैथ मैं आखिर क्यों लेने के लिए कहता हूँ, मैथ क्यों आसान है, क्योंकि मैथ के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना ट्वेल्थ वाले जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप बोर्ड एग्जाम अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो मैथ लीजिए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर आप फोकस कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना चाहते हो तो आप क्या लीजिए, मैथ लीजिए, ना कि बायो। क्यों? क्योंकि मैथ का मैक्सिमम चैप्टर मैं फिजिक्स में आपको पढ़ना ही है, मैथ में आपको पढ़ना है क्या ट्वेल्थ में वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर का दो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वेक्टर आपको फिजिक्स में मैं पढ़ा दूंगा, वेक्टर अलजेब्रा पूरा पढ़ाऊंगा, ट्वेल्थ का जितना सिलेबस है ना पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन भर भर के चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स में, एक महीने के दौरान मैं पूरा का पूरा फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली बात है कि मैं इतना कम समय में पढ़ाना पड़ता है पूरा ट्वेल्थ का मैथ, तो बच्चों को कम समझ में आता है, पर कुछ ना कुछ आइडिया तो तुम्हारे पास है और इस आइडिया से ट्वेल्थ में जाओगे तो आसान तो लगेगा चैप्टर, तो डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, उसके एप्लीकेशन वगैरह सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह सब चीज़ पढ़ते हैं जो आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है, यही ट्वेल्थ का सिलेबस है पूरा, एक किताब डिफरेंशिएशन भरा हुआ है, एक किताब इंटीग्रेशन भरा हुआ है, कुछ एक बचा है तो उसमें आपका 3D आया है, हाँ वैक्टर आया है तो वैक्टर तो हम लोग करेंगे, उसके बाद 3D आया है, 3D आया है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आया, प्रोबेबिलिटी अभी आप लोग 10th में पढ़ते ही हो, इसके अलावा कुछ एक दो छोटे चैप्टर और आए हैं, बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन वगैरह का नाम आया है, फंक्शन का चैप्टर आया है, बाकी सारा का सारा यही जो आपको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ना वही सब चीज़ आप मैथ में पढ़ोगे,
तो कितना आसान है, क्यों हम दो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने जाएं। साइंस में एक और चीज़ है, फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे जो केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ट्वेल्थ का फिजिक्स का बहुत सारा चैप्टर ना, जो केमिस्ट्री में जो तुम्हें इलेवंथ पढ़ोगे ना, वो ट्वेल्थ का फिजिक्स में पढ़ोगे। तो सारे सब्जेक्ट लगभग मिक्स मैच हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे दूसरा सब्जेक्ट में काम दे देगा, ठीक है। खासकर मैं मैथ का बोल रहा हूँ, मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर फिजिक्स में जो अगर स्ट्रगल आपने कर लिया, फिजिक्स में मेहनत किया, फिजिक्स डर के नहीं भागे। बहुत सारे बच्चे तो फिजिक्स में देखते हैं, डरते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो देख ही रहे हो कि अब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मुश्किल तो आएगा ही है, क्योंकि ट्वेल्थ का सिलेबस तुम पढ़ रहे हो और पूरा एक साल का सिलेबस तुम एक महीने में पढ़ रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह लिखवा रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, पर आपको आइडिया लग जाएगा और साल भर उसका प्रैक्टिस होगा तो आपको ट्वेल्थ में जाओगे तो आसान हो जाएगा ना। मैथ में कोई बच्चा फेल नहीं होता है सबसे पहले तो, बोर्ड एग्जाम में हिंसा में तो बहुत कम, मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। और वो रीजन यहाँ के केमिस्ट्री में फेल होने का रीजन है कि केमिस्ट्री के यहाँ टीचरों का लेवल ही कुछ ज़्यादा ही कम है, वो पढ़ाई नहीं रहे। हिंसा में थोड़ा सा वीकनेस है कि वो जो भी चैप्टर मुश्किल लगता है बच्चों को, जो समझ में नहीं आता वो छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने का रीजन भी है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगा कि उनको नहीं आता है, ये रीजन है क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि अगर समझ में नहीं आएगा ना तो बच्चे भाग जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है, वो छोड़ देते हैं। तो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाते ही नहीं है जो चैप्टर मुश्किल होता है। मेरे पास ऐसा नहीं, मैं एक एक टॉपिक जो भी एनसीईआरटी का है लाइन बाय लाइन आपको हर एक का हेडिंग आपको मिलेगा और उसमें जो भी कंटेंट है आप ढूंढ के दिखा दीजिए अगर मेरे नोट्स में कहीं पे भी कुछ छूटा हुआ हो तो। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, एनसीईआरटी का पूरा चीज़ है। एनसीईआरटी में बहुत चीज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं समझ लेना कि एनसीईआरटी में तो भैया आईआईटी के सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना है। एनसीईआरटी में सिलेबस में उससे कम सिलेबस है आईआईटी जेई का। हाँ, जेई मेंस का सिलेबस खूब वही रहता है जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, तो वो उसमें सेम रहता है, पर एडवांस का आईआईटी क्वेश्चन सेट करता है, जबकि जेई मेंस का क्वेश्चन एनटीए सेट कर रहा है आजकल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका भी सेट कर रहा है और वो मेडिकल वाला भी क्वेश्चन वही सेट कर रहा है। तो सब मिला के सारांश क्या आया, सारांश ये आया कि यदि आप हिंसा में रहते हैं तो कोई और सब्जेक्ट डर के मत लो, वो ज़्यादा डरावना हो जाएगा, तुम पढ़ोगे नहीं और उसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम ऐसे ही कमज़ोर हो, तुम तो ऐसे ही मार रहे हो कम कमज़ोर है, हमको मैथ समझ में नहीं आता है तो हम आर्ट्स ले लेते हैं। तो पहले तो आप डर रहे हो, यानी कि आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, कमज़ोर बच्चे हो, ऊपर से आपने ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसमें क्लासेज नहीं चलेगी, आप पढ़ोगे नहीं, तो उसमें हो सकता है कि भाई अगर पास भी कर जाओ ना तो नंबर निश्चित रूप से कम जाएगा, और अगर ट्वेल्थ में अगर नंबर कम गया ना तो फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये भी दिक्कत आएगी आपके साथ। तो ऐसी भी परेशानी मत करें, आप लोग ट्वेल्थ को सीरियसली लें और सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऐसा मेरा सजेशन है। कोई ऐसा आपको जो भी लगे, जो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ भी सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। के बाद मैंने कहा कि यदि आप पहले तो आप साइंस लीजिए, साइंस में भी आप मैथ ग्रुप लेते तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मैथ का जितने भी टॉपिक हैं लगभग फिजिक्स में हम पढ़ लेते हैं, तो फिजिक्स तो कंपलसरी है, चाहे बायो लो या फिर ये लो, कुछ भी लो, मैथ लो, कोई भी लो, आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही है, तो हम क्यों वो सब्जेक्ट लेंगे, हमको फिर से वही चीज़ें पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना जाए बायो पढ़ने जाए। बायो में भी ऐसा नहीं कि आसान है, कोई भी आसान नहीं है, कोई अब मुश्किल नहीं होता, कोई आसान नहीं होता है, बस आपको जोड़ घटाव में मुश्किल आती है तो भैया इतना तो फॉर्मूला वगैरह तो याद कर लोगे, आपको भाई इतना तो मेहनत कर लोगे, फॉर्मूले याद रहेगा तो एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे ना उसमें गलती होने के चांसेस नहीं है, हूबहू आपको मिलेगा, उतना बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उल्टोगे तो कितने फॉर्मूले मिलेंगे आपको, ज़्यादा 100 को मिलेगा, 100 फॉर्मूले याद करोगे तो 50 को नंबर ले आओगे तुम, ये भी तो है, 100 फॉर्मूले याद कर लोगे तो 50 नंबर ले आओगे तुम। फॉर्मूले भी क्या, आपको पहले तो फिजिक्स में पढ़ोगे और फिजिक्स में साल भर उस फॉर्मूले का रिवीजन करोगे और फिर जाकर मैथ में फिर से साल भर वही फॉर्मूले को रिवीजन करोगे, भी याद नहीं होगा क्या। ये ध्यान रखिए, जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ बोर्ड पास करने के लिए, उसको तो साइंस ही लेना चाहिए और मैं भी कहूँगा कि मैथ लेना चाहिए, उसको मैथ ज़्यादा ईजी है। जो लोग डरा रहे हैं आप लोगों को, लोगों बात कर रहे हैं कि मैथ नहीं लो, मैं तो कहूँगा, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने सब चीज़ बता दिया कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीज़न मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं आपकी कहाँ तक मदद कर पाऊँगा, शांति क्लासेज आपकी कहाँ क्या मदद कर पाएगी, शांति क्लासेज, शांति फिजिक्स क्लासेज है, ये फिजिक्स का क्लास चलाती है। फिजिक्स मैंने जब पढ़ा रहा था तब मैंने देखा कि मैथ के जितने भी टॉपिक हैं ट्वेल्थ खास करके, वो सारे के सारे वही टॉपिक हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, तो क्यों ना उस बच्चों को क्यों हम दूसरे के साथ छोड़ें, क्योंकि जितना मैं पढ़ा देता हूँ उतना भी बाकी सब कोचिंग वाले उसको कवर नहीं कर, जितना फिजिक्स में पढ़ा देता हूँ मैथ में उतना भी कवर नहीं कर पा रहे हैं लोग, उतना भी नहीं पढ़ा रहे हैं मैथ में, और बच्चों का रिजल्ट क्यों खराब करने दें। तो उन बच्चों को भी मैंने मैथ का भी क्लासेस शुरू किया, और मैथ और फिजिक्स दोनों के दोनों क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, तो आप दोनों यहीं पर कवर कर सकते हो। और उसका लेवल क्या रहता है, तो लेवल एक तो आपका अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो बोर्ड लेवल पे ही चलेगा आपका, अगर बोर्ड ही पास करने वाला, यदि आप कंपटिटिव लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ, उसका एक्स्ट्रा क्लास लगा देता हूँ। ऐसी बात है, थोड़ा बहुत फी एक्स्ट्रा रह के मैं एक्स्ट्रा क्लासेज ले लेता हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेज में क्या रहेगा, आपको
आप जो है पढ़ाता तो मैं सबको लगभग एक ही हूँ, लगभग एक ही पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ें मुश्किल आ जाता है उसको कह देता हूँ कोई बात नहीं तुमको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर मैं पढ़ाता हूँ दोनों को सेम ही। बस उसको क्या होता है कंपटीटिव एग्जाम वाले बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा आप टाइम ले लीजिए भाई, आप डेली क्वेश्चन आप मैंने जो पढ़ाया है आप बुक ले लीजिए, जेईई मेंस वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ले लीजिए, आपको पता भी लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल क्या है, ऐसा तो नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ सिर्फ। तो आप जेईई मेंस का पेपर ले लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन को लगाइए, जब चैप्टर खत्म होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो आके आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके आप पूछिए। उसका जितने भी बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सभी को बुलाता हूँ, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो क्वेश्चन अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आओ, उसको लगाओ, उसको लगाइए, लगा के पता लग जाएगा आपके, हमें मैं बता दूंगा जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे वो डिस्कस हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। दोनों में दो चार साल से मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 2012 से मेरे शांति क्लास चलता था, फ्री की इंस्टीट्यूट चलती थी, इसमें मैं छुट्टियों में आता था और बच्चों को पढ़ाता था जिसका कोई फी नहीं लगता था, उस वक्त शांति क्लास चलता था 2012 में, दो साल तक वो चला 2012 से 2014 तक, उसके बाद मैं बाहर चला गया, फिर बाहर मैंने जो अपना भी पढ़ाई कर रहा था एमटेक, और उस दौरान मैंने दूसरे कोचिंग में पढ़ा भी रहा था, तो काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रहा है, देख ही रहे हो तुम लोग कि ऑनलाइन क्लास चल रहा, तो मैंने हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, मैंने मेडिकल वाले बच्चों को भी फिजिक्स पढ़ाया है और इंजीनियरिंग वाले सेक्टर को भी फिजिक्स पढ़ाया है, मेडिकल वाले बच्चों को भी तो हाल में यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। शांति क्लास जो हिलसा में चल रहा है ये तो ये भी शुरू हुआ है 2018 से शुरू हुआ, 2018 में लगभग मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने स्टार्ट सितंबर में शुरू किया था शायद, उसके बाद 2018 चला, 2019 कंप्लीट मैंने पढ़ाया, 2020 में जो कुछ बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं उनको भी मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, जेईई मेंस का फ्री के क्लास है जेईई मेंस का, स्पेशली जो बच्चे निकाल सकते हैं जिसमें टायलेट है उसको कहीं दिक्कत नहीं आता है, कुछ बच्चे स्पेशल सिंगल सिंगल बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्ची MSc कर रही है केमिस्ट्री से, वो मेडिकल की तैयारी कर रही है तो वो भी सिंगल में आके पढ़ती है, वो भी क्वेश्चंस लाती है और डिस्कस करते हैं कि भाई पढ़ तो सारी चुकी है वो, फिर भी मैं रिवीजन करा देता हूँ, कोई भी टॉपिक का जो करना है उसको उसको रिवीजन करा दिया जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन बना के लाती है, उसका प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना है, जो भी चीज़ें तुम भूल गए हो जैसे करना है उसको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिलसा में भी यदि आप रहते हैं रुकते हैं तो आप डरिए नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाकी बच्चों से बेहतर आप करोगे, खास करके आप लोग DAV के बच्चे हैं तो आप याद कीजिए कि आपका जो सीनियर था, एक बच्चा है, दो बच्चे आए थे, मैं नाम, चूँकि वीडियो है ये इसमें मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, पर ये दोनों टॉपर बच्चे थे जिसको आपके स्कूल में प्राइज मिला था, वो बच्चे आए थे और छुट्टियों में आपने एक और चीज़ देखा था कि एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, पानी वानी जम गया था पटना में, उस वक्त पटना में सारे क्लासेस बंद हो गए थे, एक और समस्या है, अब वो जो पटना बंद हुआ है तो बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो आपका पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रहा है, वो बच्चे आए थे छुट्टियों में और वो आए थे तो मैंने सब बच्चों को बुलाया था, जब तक छुट्टी है तब तक बच्चे आइए, और वो पढ़ने के लिए आए थे मेरे यहाँ, ठीक है, दो बच्चे थे, दोनों बच्चे, दो या तीन बच्चे थे, ये बच्ची थी वो भी पढ़ी है, वो तो दशहरा की छुट्टियों में पढ़ी है, दो दो तीन तीन घंटा आके डेली लगातार पढ़ती थी छुट्टी, भाई दशहरा में जब पूरा पटना बंद हो जाता है खाने पीने के लिए मिलता है तो चले आते हैं बच्चे छुट्टियों में, और वो एक एक सप्ताह की छुट्टियाँ रहती है, तो उसमें मैंने बच्चों को क्लास लिया था, तो खासकर जो ये जो 10 दिन की छुट्टी हुई थी, जो वर्षा हुई थी, तो उसमें एक बच्चा आया था, दो बच्चे, और उसको मैंने अपने क्लास में बैठाया था, एक बच्चा था जो पटना में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, गोल्ड साइज इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ रहा था, और एक आकाश में पढ़ रहा है वो दिल्ली में, दोनों के दोनों बच्चा आया था और दोनों को तो मैंने क्लास में बैठाया था, क्वेश्चन मैंने दिया था और क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे थे और मेरे बच्चे कर पा रहे थे क्लास में, मैंने उससे पूछा कि तुम लोग क्लास में क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग तो पढ़ के आए हो ना, इसे पढ़े हो ना, कि हाँ पढ़े हैं पर इस लेवल का नहीं पढ़े हैं, इस लेवल का क्या होता है, इस लेवल का नहीं पढ़े हैं, आप एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, जेईई में पढ़ा रहे हैं, हम लोग मेडिकल के बच्चे हैं तो हम लोग थोड़ा सा कम लेवल पढ़े हैं, कि मैंने कहा था कि हाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हुई ना सबके सब ये बायो वाली ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ये लोग कैसे बना रही है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि यहाँ का लेवल आप ये समझिए कि हिलसा है ये क्या पढ़ा देगा, तो ये आपने दिमाग से पहले निकालिए, हिलसा है तो कम से कम मेरा पढ़ाई का लेवल ये लेवल है, कि आपको ऐसा नहीं कि कोटा चले जाओ या फिर मुझसे बेहतर टीचर मिल जाएंगे, हो सकता है फैसिलिटीज में कुछ का डिफरेंस मिल जाएगा, तो फैसिलिटी में डिफरेंस मिलने का टीचर भी है कि आप वहाँ लाख रुपया दे रहे हो और यहाँ आप 1000 में दे रहे हो पैसा, तो ये फ़र्क पड़ेगा आपको, बाकी क्वालिटी में नॉलेज में आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी, खासकर मेरे सब्जेक्ट में, बाकी मैं दो दो सब्जेक्ट उठाए हुए हूँ और इसी काम मुझे दो सब्जेक्ट लेना भी पड़ा, क्योंकि मैं एक लेवल पढ़ा देता था दूसरे सब्जेक्ट में लोग बच्चे गिर जाते थे, बाकी मैं सोचा था कि तीन सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा हो जाता फिर मेरे लिए, क्योंकि पढ़ाना तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ाना भी और पढ़ना पढ़ाने के लिए आपको उतना पढ़ना भी पड़ता है, उसमें करंट भी रहना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, तो वो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को छोड़ दिया, फिजिक्स और मैथ में पढ़ा रहा हूँ अभी, और दोनों का लेवल
अभी मैं बच्चों को जेई मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, दोनों का लेवल बाकी और टीचरों का देखो या फिर कहीं और का देखो, जेई मेंस का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। पढ़े हुए तो आप सब चीज़ रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि भैया कुछ ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ये चीज़ नहीं हम पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ये आप फीडबैक ले सकते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ चुके हैं उनसे आप मिल के पूछ सकते हैं। अभी क्लासेस चल रहे हैं, वो लोग बच्चे आ भी रहे हैं जो रिसर्च 12th दिए हैं, वो सब बच्चे आ रहे हैं अभी जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब बच्चों से आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि आपके पास समय मिलता है तो पर्सनली आपको आके मिल सकते हैं, उन लोगों का क्लास चल रहा है अभी। जो बच्चे हिंसा में रहते हैं वो बिल्कुल ना डरे, मेरा यही कहने का मतलब है, और ना ही माता पिता पर अनावश्यक दबाव बनाएं। देखो दबाव उन पर बनाओगे, वो बच्चों के लिए ही माता पिता जीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से परेशान होकर बेचारे कर जरूर लेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, हो सकता है कर्जा ले लें, कुछ और कर लें, कुछ बेच बाज दें, पर वो तुमको बाद में पता चलेगा कि तुमने क्या मतलब तुम्हारे लिए माता पिता ने किया है, और वो तुम पे दबाव आएगा क्योंकि तुम्हें रिटर्निंग भी तो देना है माता पिता को। यदि वो सी चीज़ें बचता तो तुम्ही को मिलता ना, आज तुमने खर्च कर लिया, कल इतना पैसा तुम पढ़ाई में खर्च कर दोगे, इसे भी अनावश्यक पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि नौकरी बाद में उतना कमा भी नहीं पाओगे। अगर जॉब देखो, जॉब में कितनी सैलरी है, टीचर लोग हड़ताल कर रहे हैं, कितनी सैलरी है उनकी, तुम जितना पढ़ाई में खर्चा कर दोगे ना उतना तुम कमा नहीं पाओगे। ये रीज़न है, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण मैं मना करता हूँ कि बाहर जाके महंगे 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 शुरू मत जाइए। अब जिसको एकदम पैसन है कि हमको करना ही है तो वो चाहे ठीक है, जिसका पैसा हो तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर नहीं जा रहे तो बिल्कुल भी ये सब घबराने की वाली बात नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप जाओगे तो कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ अगर रहते हो तो एकदम रखिए इत्मीनान के साथ रहिए कि हम यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एग्जांपल है जो घर पे बैठ के उन्होंने किया है, मैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपके लिए तैयार हूँ, कहीं पे दिक्कत होता है कोई सब्जेक्ट में तो आपके लिए भाई यूट्यूब है, आपके बहुत सारे अकेडमी का चैनल है, बहुत सारे हैं लाइव क्लासेज हैं, और लगभग हर सब्जेक्ट का लाइव क्लासेज आजकल अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा फी वगैरह लगेगा, बहुत सारे तो भाई फ्री में ही है, कुछ पेड भी है कोर्सेज हैं, उसको आप खरीद भी सकते हो, आप घर पे बैठ के देख कर आप पढ़ाई कर सकते हो भाई, उससे तो कम ही खर्चा होगा ना, बाहर डबल खर्चा है ना, तो ट्यूशन फी तो लगता ही लगता है, बाहर रहने का भी तो खर्चा लगता है, खाने का भी तो खर्च लगता है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है, रहने का तो भाई बेकार का खर्चा है ना, तुम्हारा घर खाली है, तुम जाके बाहर रह रहे हो, वहाँ पे किराया दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, तो वो तो फ्यूल का पैसा बर्बाद हो रहा है ना। सोचो कितना रेंट जाएगा, 5-5 हज़ार का महीना भी अगर दे रहे हो तो 2 साल में 24-25 कितना हो गया, 1,20,000 रुपया तुम ऐसे ही गवा दे रहे हो, का कोई मतलब बैक नहीं आएगा वो पैसा जो रेंट में दिए हो, और पढ़ाई में तो तुम्हें कुछ मिल भी रहा है, रेंट में क्या मिल रहा है, यहाँ घर खाली छोड़ के दूसरी जगह रह के तुम पैसा दे रहे हो, उससे क्या मिल रहा है तुम्हें, तो एक तरह से बिल्कुल फिजूल खर्ची है ना वो पैसे। तुम अगर बचेगा तुम्हारा तो कल तुम्हारे ही काम आएगा ना। सब बातें थी यहाँ के बच्चों के लिए, अब जो बच्चे बाहर चले जाते हैं उनके लिए क्या है? वो क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, जब भी उनको मदद की जरूरत पड़ती है हम सदैव तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मुझे फी देंगे वही बच्चे मेरे बच्चे हैं, नहीं, जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, जो मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं सारे मेरे बच्चे हैं, ठीक है। वो जब भी उनको लगता है, अगर हिलसा भी आते हैं तो कभी भी मेरे संपर्क कर सकते हैं, कहीं दिक्कत होता तभी आते हैं भाई, जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आ रहे हैं अभी, मैं किसी बच्चों का नाम तो नहीं ले सकता, पर वो भी जब छुट्टी में आते हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट्सएप पे अभी भी जुड़े रहते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मतलब 30,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, और सारे लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे, ढेर सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं काफ़ी शेयर भी करता हूं आप लोगों के साथ, जो क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं, ऐसा थोड़ा ना कि मैं क्वेश्चन बनाता हूं, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं शेयर करता हूं लगे हाथ, उसको जवाब तो दे देता हूं, पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आप लोग भी अटेम्प्ट करो उसको। तो इस प्रकार से आप भी मुझसे जुड़े हुए रह सकते हैं। बाहर की बात, तो बाहर जनरली देखो ठगी हर जगह है, अगर आप सावधान नहीं रहे तो ठगे जाओगे, और जब आपको जैसे कि बहुत सारे आपने स्कूल में आए होंगे, कोचिंग वाले टेस्ट लिया होगा, आपको स्कॉलरशिप का लोभ दिया होगा, स्कॉलरशिप वो होता नहीं है, जनरली आपको फी बढ़ा हुआ रहता है, तो जानते ही हो कि वो स्कॉलरशिप के नाम पे आपको उतना ही फी लेंगे, भाई टीचरों को उनको पैसा देना है, देंगे। जो बच्चे बहुत जिनको लगता है कि हम बहुत तेज हैं इसलिए हमको स्कॉलरशिप दे रहा है, बाकी उनको थोड़ी ना दे रहा है, ऐसा नहीं, सबको लगभग दे देता है। अब जाओगे ऐसे जाओगे ना तभी कहेंगे इतना 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 स्कॉलरशिप है, सबको देता है लगभग, ठीक है। हाँ कुछ एक बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, उसको तो एकदम लगभग फ्री में पढ़ाता है, तो वो 5-10 बच्चे हर कोचिंग में होते हैं जिसको वो फ्री में पढ़ाता है, उसको रिजल्ट के लिए पढ़ाता है, रिजल्ट होगा तो पर कोचिंग का नाम होगा, और हर एक कोचिंग में रहता है, वैसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कोचिंग है जो तुम्हारा कह रहा है कि ये कोचिंग वाला आपको दे रहा है, नहीं सबको देगा, अगर आप तेज हो उस लेवल को तो हर कोचिंग वाला देगा, ठीक है, और लगभग वो फ्री रहता है हर एक कोचिंग में, बड़े से बड़े कोचिंग में, मैं जब पढ़ता था उस वक्त भी फ्री बैचे चलते थे, उसमें भी कुछ उनको कुछ फ्री नहीं लगता, क्योंकि फ्री लगा तो वो क्या होगा, वो बच्चा दूसरे कोचिंग में शिफ्ट कर जाएगा, लगेगा कि यहाँ भी हमको पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना, तो दूसरे कोचिंग चला जाएगा, तो उसको पकड़ के रखने के लिए वो फ्री कर देते हैं उन लोगों बच्चों को, तो वो बहुत कम बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, और आपका कंपटीशन नेशनल लेवल पर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इतना आसान काम नहीं है कि आप
जो कह रहे हो कि स्कॉलरशिप दे रहा है, स्कॉलरशिप जनरली देते नहीं है वो लोग, उस भ्रम में बताइए। आपको अगर कोई कोचिंग को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले देखिए कि वहाँ का रिजल्ट क्या है, वहाँ का टीचर क्वालिफिक, सबसे पहले तो देखना होता है क्वालिफिकेशन, टीचर जो है पढ़ा रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन, अगर खुद पढ़ा हुआ होगा तब तो तुमको पढ़ाएगा, तो सबसे पहले सब क्वालिफिकेशन देखिए। अगर जेई मेंस का तैयारी करना चाहते तो क्या वो उसने खुद ही जेई कंप्लीट किया कि एग्जाम दिया, हिलसा में तो देख ही रहे हो सब लिखे हुए जेई मेंस जेई एडवांस, भाई जिसने खुद ही एग्जाम नहीं दिया है वो लिखे हुए अपने बैनर पे कि हम जेई मेंस का तैयारी करवाते हैं, जिसको जेई मेंस का पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है वो सब लिखे हुए हैं, बताओ उसका क्या केस कर सकते हो तुम। बाकी बाहर का भी यही हाल है कि ढेर सारे कोचिंग हैं, टीचर भी अच्छे हैं, पटना का देखो दिक्कत है ना, पटना में बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं पर बच्चे उस लेवल के नहीं पहुँचते, सब बच्चे जो अच्छे लेवल के होते हैं वो कोटा वोटा निकल जाता है, बहुत कम बच्चे होते हैं, गाँव बच्चे के यही सब बच्चा जाता है। अभी कल पिछले साल एक बच्ची जा रही थी, उसके माता पिता कह रहे थे कि मैंने कहा कि वहाँ बोर्ड का पढ़ाई नहीं होगा, कि नहीं बोर्ड का पढ़ाई होगा, हमने कहा है बोर्ड का पढ़ाई करने के लिए, कि मतलब 1.5 लाख रुपया दे के वो क्या पढ़ने जा रहा है बोर्ड का पढ़ाई, मतलब वहाँ का टीचर भी सोचता होगा कि यार बोर्ड पढ़ने के लिए हमको 1.5 लाख रुपया दे रहा है, तो वो लोग फर्स्ट एड तो IITian है वो क्या पढ़ाएगा, वो कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा ना रटा हुआ है उस तरह से, पर जो यहाँ का पढ़ाई वहाँ का पढ़ाई में अंतर होता है। यहाँ क्या होता है वो आप लोग को रटाते हैं, एक ही चीज़ को 10 बार बोलते हैं वो रटाते हैं, पर बाकी कोचिंग में जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ या भी उस कोचिंग में इस तरह से नहीं होता है, मैं तो दोनों को मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि आपको रटा भी जाए चीज़ें कॉन्सेप्ट जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं 2-3 बार बताओ ताकि मैं रटवा भी दूँ, और अगर आपका कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा करें, पर बाकी बाहर थोड़ी ना होगा, बाहर आएगा कॉन्सेप्ट लिखा ये ऐसे होता है, प्रैक्टिस कराया क्वेश्चन देके खत्म हो गया, आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ना उस तरह से आएगा, तो बोर्ड एग्जाम में ये अंतर होता है और वो उनको भी उतना याद भी नहीं रहता है, क्योंकि जो IITian वगैरह आते हैं वो इसी तरह से पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो आएंगे बस लिखेगा फॉर्मूला को समझाया उसने एक्सप्लेन किया फिर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन करते चला गया। ये मैं फिजिक्स की बात बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं लिखाने जाएंगे कि न्यूटन लॉ एक लाइन में लिखाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो तुमने पूरा 9th में कितने बड़ा चैप्टर पढ़ा है वो 3 वो लॉ लिखाएंगे खत्म उनका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखाएंगे खत्म आपका चैप्टर, इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म होगा, और उसमें बस कराएंगे क्या क्वेश्चन कराएंगे उसके अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश यही करता हूँ, मैं भी ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लास में, पर मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी रहता हूँ, मैं चीज़ों को लिखवाता भी हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम लोगों को देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए रहते हैं सिर्फ बोर्ड ही पास करना है उनको, तो मेरे क्लास में दोनों चीज़ें चलता है। हर यदि आप 1-1.5 लाख रुपया दे के यही सब चीज़ जा रहे हो पढ़ने तो बहुत ही शर्म की बात है। हाँ अगर आप चाह रहे हो कि भाई हम कुछ बोर्ड हम देखो बाहर जाने का मतलब होता है बोर्ड आप खुद से पढ़िए, ठीक है, बोर्ड का जो बुक है उसको आप खुद से पढ़ के समझ लीजिए वो है, उसके आगे की वो चीज़ें पढ़ाएंगे वो कम्पिटेटिव लेवल का पढ़ाएंगे, वो क्वेश्चन कैसे अब उतना पढ़े हो जो उसका कैसे हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सोल्व करना है कंपटीशन वाले वो चीज़ पढ़ाते हैं, वो जितना अच्छे कोचिंग जाओगे उतना ज़्यादा वो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। पटना उटना में दिक्कत है कि बच्चे इतने कमजोर होते हैं, गार्जियन का डिमांड होता है कि बोर्ड हमको पास करवाइए बस, तो वो क्या होता है कि अपना लेवल घटाए रहते हैं और इस कारण रिजल्ट नहीं पटना का होता है, क्योंकि 1-2 बच्चा भी खराब आ गया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं 11th में अगर उसको तुमने वैसे पढ़ा दिया हाई फाई तो 12th में वो आपके यहाँ रहेगा नहीं, छोटा छोटा कैसा भाग आता है 12th में, बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है इसलिए पटना से भाग के चले आए, तो कमजोर बच्चों के साथ ये भी एक दिक्कत होता है, पैसा तो दे आए समझ में नहीं आता तो या तो घर पर रह जाता है या फिर भाग के यहाँ चला आता है हिलसा चला, बेसिक उनको पता नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि सारे बच्चों का एक जैसा लेवल है लगभग, ठीक है, वहाँ होता है कि अलग जगहों से बच्चे आए हुए रहते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चों का लेवल बहुत अप होता है, बहुत किसी कुछ बच्चों का लेवल बहुत डाउन होता है। अब उन लोग किसको देखेंगे, किसको टारगेट करेंगे, जो बच्चा रिजल्ट दे सकता है, बाकी बच्चों को ऐसे ही वो बहलाते फुसलाते रहेंगे, और जो टारगेट करेंगे उन बच्चों को जो रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, बाकी उसको मतलब नहीं है, फेल हो जाओ तुम बोर्ड में फेल हो जाओ उनसे कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि ये नहीं देखेगा वहाँ पूछने आएगा कि तुम्हारे यहाँ से कितना बोर्ड में पास हुआ, ठीक है, कितना परसेंट नंबर लाया बोर्ड में, और वो परसेंटेज भी नंबर की बात करें तो वो देखते हैं सबसे पहले तो दूसरे कोचिंग में चेका चेका जाता है कितना रिजल्ट हुआ तुम्हारे कोचिंग से, रिजल्ट भी किसमें जेई में या फिर मेडिकल में कितना रिजल्ट हुआ तुम्हारा, तो रिजल्ट देखते हैं, तो इसे रिजल्ट को फोकस करते हैं, कुछ टॉपर लाने की कोशिश करते हैं, कितना रिजल्ट हुआ उस पर फोकस करते हैं, वो जो कमजोर बच्चे उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं वो लोग, तो बाहर जाके ये भी एक नुकसान है, कमजोर बच्चों का बिल्कुल दम मरनी जैसी स्थिति है, बिल्कुल वहाँ से 1-1.5 लाख रुपया ले भी रहा है और कुछ भी नहीं आपको पढ़ा रहा है, बिल्कुल एकदम छोड़ दिया है आपको, ये समझ लीजिए आप, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट में जाएगा उतना ज़्यादा दिक्कत, जैसे कोटा में जाए तो और बिल्कुल छोड़ देगा वो, पटना उटना में तो ठीक है सब सारे बच्चे एक जैसे होते हैं तो उनको ठीक है कुछ ना कुछ पढ़ाना ही पड़ता है, फिर भी अपना लेवल थोड़ा ना गिराएंगे, वो अपने ही लेवल पढ़ाएंगे पर आसान आसान करते रहते हैं कि बच्चे एकदम से डरे नहीं। ये हाल है पटना की कोचिंग का। पटना में भी आप कुछ एक ही कोचिंग है जो ठीक ठाक है, अब बहुत सारे नए नए भी कोचिंग खुल गए हैं तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो आपके सीनियर से पता लगेगा आपको धीरे धीरे। चैतन्या के बारे में बताया कि उसका रिजल्ट ठीक ठाक है और खासकर वो स्पेशली मेडिकल के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो विशाखापट्टनम में। कोटा में LN चाहे वो JEE मेंस को या एडवांस को अभी सबसे फेवरेट कोचिंग चल रहा है, जो सबसे बड़ा कोचिंग चल रहा है वो LN चल रहा है,
बाकी कोचिंग भी हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं। बंसल तो भाई डूबने की स्थिति में, रेजिडेंस भी बेचारा टूट गया जिसमें मैं पढ़ा था रेजिडेंस। रोज नए कोचिंग खुल रहे हैं तो कौन क्या लेवल है, लेकिन ये है कि उन लोगों का एक जो बेस होता है, जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। और कोटा में एक जो इन्वायरमेंट होता है स्टडी का वो काफ़ी शानदार होता है, जो मैंने फील किया है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो कि वहाँ जाना चाहते हो, मैं पढ़ूंगा सिर्फ इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ नहीं करूँगा, तब जाइए। जो पैसा भी है, जिसके पास डेडिकेशन भी है, वो सब जाए दूर। दिल्ली में तो पॉल्यूशन का ही लेवल इतना ज़्यादा है, ठीक है। कोचिंग वहाँ भी है, जितने भी कोचिंग बाकी जगह पर, दिल्ली में भी रहता ही रहता है, सब लोग तो दिल्ली जाते हैं। तो वही अगर पॉल्यूशन वगैरह से तुम लड़ सकते हो, अपना घर है वहाँ पर, अपना बढ़िया से तुम रहने खाने का व्यवस्था है, तो फिर आप दिल्ली जाइए। और भी लगभग सब लगभग शहरों में है। मेरा एक बच्चा अभिषेक वर्मा जो IIT निकाला था, उसको मैंने लगभग 9th-10th में, मैंने 11th-12th का सारा कवर करा दिया था, SC Burma वगैरह सब सोल्व करवा दिया था 9th-10th में उसको। वो बच्चा सब और भी बच्चे थे, उसने भी बाद में लगता है कोचिंग किया था, और वो सब शायद रांची से कहीं से कोचिंग किया था, तो वहाँ भी आकाश इंस्टीट्यूट है और स्कूलिंग किया था। एक और बच्चा हमसे पूछता है कि सर, हाँ एक और क्वेश्चन रहता है कि स्कूलिंग करें या कोचिंग करें, ये एक सवाल आता है। और कई बच्चों का आया, पिछले आपके जो सीनियर थे उन्होंने, उनसे भी कई बच्चे स्कूलिंग करने गए, तो उन लोगों के लिए मैं सलाह है कि स्कूलिंग करें या कोचिंग करें। तो ऐसे बच्चों का मेरा सलाह है कि आप क्या करना चाहते हो पहले आप डिसाइड कीजिए। अगर आप डेडिकेटेड हो किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो आप स्कूलिंग ना जाके आप कहाँ जाइए, आप जाइए कोचिंग करने। अगर आप एडवांस या JEE एडवांस वगैरह निकालना चाहते हो, तो हम उसी के लिए डेडिकेटेड हो, और किसी चीज़ से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वही टारगेट है, ठीक है। जनरली मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरा सलाह होता है स्कूलिंग करने का। देखिए, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, ना पैसा होता तो पटना भेज देते हैं पढ़ने के लिए बच्चों को, और पटना कोचिंग दिलवा देते हैं, ये सबसे गलत आइडिया है। अगर आपके पास सही में पैसा है ना, तो एक अच्छा स्कूल, अगर बच्चा आपको पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है, और आपके पास पैसा है, आप चाहते हो कि नहीं मैं बच्चों को बढ़िया से पढ़ाऊँ, पर बच्चा मेरा पढ़ता नहीं, सीरियस नहीं, तो आप एक अच्छे स्कूल में उसको डलवा दीजिए। सबसे अच्छा यही चीज़ है, 11th-12th का जो कोचिंग स्कूल होती है उसमें डलवाइए आप बच्चों को, कोचिंग में मत डलवाइए। पटना उठना इधर उधर आलतू फालतू जगह पर नहीं भेजिए। आप कोई बढ़िया सा शहर देखिए जहाँ पॉल्यूशन का लेवल कम है, जैसे रांची वगैरह का इलाका है जहाँ पॉल्यूशन का लेवल कम है, और आपका एक बढ़िया सा स्कूल जिसमें वेल मेंटेन्ड स्कूल, बड़ा सा कैंपस, हर चीज़ की फैसिलिटी, बढ़िया बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, कोई मतलब ऐसे चीज़ें नहीं हुआ हो वहाँ पे, और सीनियर का रिकॉर्ड होना चाहिए उस स्कूल में। आप देखिए उसका स्ट्रक्चर वगैरह, टीचर का कोई लेना देना विशेष नहीं होता नहीं है स्कूल में। स्कूल में सब जानते हो, जैसा तुम्हारा स्कूल वैसे टीचर का लेवल होता ही रहेगा। DAV का टीचर का लेवल ना ज़्यादा बेहतर है, बाकी स्कूलों का लेवल टीचरों का उससे कम रहेगा। टीचर से मतलब नहीं होता, वहाँ का फैसिलिटी से मतलब होता है। आपका DAV में फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटी का मतलब होता है। आप एक ब्रांडेड स्कूल में जाए, यदि आपके माता पिता के पास पैसा है, ठीक है, और आप हैं कि हमको IIT नहीं निकलेगा, या फिर आप इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है आपके पास कि हम निकाल ही लेंगे, हमको इतना पढ़ने में तेज नहीं, आप एक स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। क्या फ़ायदे हैं स्कूल ज्वाइन करने के? स्कूल ज्वाइन करने के फ़ायदा है कि वो आपके हर चीज़ पर फोकस करता है, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। आपकी गेमिंग का होता है, डांसिंग का होता है, प्रोग्राम होता रहता है, हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। तो हो सकता है बच्चा कुछ किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट लेगा, और प्रॉपर क्लासेज भी चलेगा उसकी, उसको जाना ही पड़ेगा स्कूल को, स्कूल रिपोर्ट भी कर देगा तुरंत आपके घर पे, गार्जियन को नहीं आ रहा बच्चा स्कूल, रूटीन रहेगा उसको, आना ही है, पढ़ना ही है, बैठना ही है क्लास में, कुछ तो उसको बढ़िया लगेगा। ये बहुत एक और चीज़ है स्पोकन उसका, अगर इंग्लिश बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा, आपको मतलब एक जो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टोटल डेवलपमेंट आपका होगा, हर चीज़ में आपका एक परफेक्शन होगा, एक अच्छा चीज़ होगा। अब वो जो बढ़िया स्कूल होते हैं ना, वो आप पर मेहनत करती हैं, एक एक बच्चे पर, इंडिविजुअल बच्चे पर मेहनत करती है, आपसे फी लेता है। तो यदि आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि नहीं हम, और यही सबसे बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग का देख रहे हो कि अब एडमिशन में भाई अब जॉब लगता है नहीं लगता है, इंजीनियरिंग में भी आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, तो आप चाहते हो जनरल हमारा व्यक्तित्व का विकास हो, एक आप चाहते हो, तो एक अच्छे स्कूल में जाइए जो इस पर बहुत ही स्टडी करके वो वेल मेंटेन हो के बच्चे पे फोकस करता है, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराता है। तो ऐसे स्कूल में जाइए आप, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे करियर, बहुत तरह के करियर बना सकते हैं आप स्कूलिंग में। अगर अच्छे स्कूल में हैं आप, तो वहाँ से केंद्रीय विद्यालय वगैरह में हैं आप, तो वहाँ से टीमें बनती है, क्रिकेट खेलने के लिए टीमें बनती है नेशनल लेवल पर, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीमें बनती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम्स हैं होते रहते हैं, तो उसमें आप टीम जाती है, तो उसमें आप जा सकते हैं, ये सब फ़ायदा है। JNV में जा सकते हैं आप। मैं सबसे ज़्यादा प्रिफेयर करता हूँ एक स्कूलिंग को। मैंने ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं जब कॉलेज में गया तो मैं कॉलेज में आया, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से आए, अच्छे स्कूल से आए हैं,
और उसका जो कम्युनिकेशन स्किल था, हम लोग है ना, हम लोग को हिंदी ढंग से बोलनी आती है ना अंग्रेजी ढंग से बोलनी आती है, ठीक है। अब तो इंग्लिश मीडियम में स्कूल आ गया, तब भी आप जानते हो कि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने ऐसे टीचर जो इंग्लिश से इंग्लिश में समझाते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, वो हिंदी बोल कर पढ़ाते हैं। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी भी स्पोकन इतनी अच्छी नहीं है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश का ही सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, आपको और भी खेलकूद, जब मैंने कॉलेज में गए थे तो किसी को स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, इतना बढ़िया फराटेदार वो बोल रहा है, उसके बाद ना हिचके हिचके हुए बिना एकदम फराटेदार बोल रहा है, कोई भी गेम निस्टन नंबर का सब एथलीट है। मेरा जो रूममेट था जिसके बारे में बता रहा था, गुटखा खाता था, वो वॉलीबॉल का प्लेयर है। अब वॉलीबॉल मैंने नाम ही नहीं सुना था उस वक्त, बास्केटबॉल क्या होता मैंने सुना ही नहीं था, मैंने एक जानता था क्रिकेट जैसा कुछ होता है, वही क्रिकेट बस खेला था, इसके अलावा मुझे कोई गेम का पता नहीं। और सब में खेल खेल के नेशनल लेवल पर खेले खेले बच्चे हैं, उसका फिटनेस, उसका एक आईक्यू डेवलपमेंट जो सबका एक अलग ही लेवल है, उस बच्चों से कम्पिटिट करना पड़ता है आपको। तो एक स्कूल में जाने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, कल्चर प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कल्चर प्रोग्राम स्कूल में हुआ, मैंने कॉलेज में हुआ, उसमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको डर रहेगा, हेजिटेशन रहेगा। और वो लेवल और स्कूल का ये जो लेवल आप जो स्कूल में आपने किया है, उसका ये जो इस हिलसा के स्कूल में किया है, वो परफॉर्मेंस का वहाँ से मैच नहीं होगा। जब वहाँ पर उतने लोग ऑडियंस रहेंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, तो आपको डर लगेगा, ठीक है, कि क्या लोग करोगे तो तुम हंसेगे, प्रोफेशनल लोग अगर सामने आ गए तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपको स्कूल कराता, आपको स्कूल एक एक बच्चे पर मेहनत करता है, एक एक पीटी टीचर होता है वहाँ पे, एक एक गेम के बारे में समझाता है आपको, एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज देता है, तो ये आपको फ़ायदा है। तो स्कूल यदि आपको ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है तो उसको मत छोड़िए, उसका पैसा लगेगा, अच्छा खासा पैसा होता है, अगर आपके पास पैसा है तभी आप जाइए, पैसा नहीं है तो भैया स्कूल भी आपके लिए नहीं है, फिर आप स्कूल से सस्ता ही पड़ेगा, आपको कोचिंग कर लीजिए। मैं बताता हूँ, अभिषेक जो किया था वो स्कूलिंग किया था, उसे गार्जियन ने मुझे फ़ोन किया, उस पर भी याद है मुझे, मैं भोपाल में ही था, उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने पूछा था मुझसे कि बजाबते कि क्या करना चाहिए, मुझे कॉलेज में जाना चाहिए या फिर, सॉरी उस वक्त मैं कॉलेज में था, बीटेक कर रहा था, अपने कॉलेज में था, मुझे याद है छत पर उन्होंने उनके पिताजी का फ़ोन आया था और उन्होंने पूछा था मुझसे कि क्या करना चाहिए मुझे, या स्कूल करा दें कि मतलब कोटा भेज दें। तो मैंने कहा था कि देखिए अगर आप कोटा भेजिएगा, अगर नहीं निकाल पाया तो जो फ्रस्ट्रेशन जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने पूरा साल भर, मैंने दो साल क्या किया, मैंने सिर्फ पढ़ाई की और कुछ तो नहीं किया, पूरा लगा दिया कि मुझे IIT निकालना और नहीं निकला, तो फ्रस्ट्रेशन होना ऑब्वियस ही बात है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, बस यही किया, वो भी नहीं हो पाया, तो फिर मेरे पास है क्या, कुछ नहीं, जीरो कुछ नहीं है। पर अगर आप स्कूल में रहोगे तो आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत कुछ किया है स्कूल में, आप दोस्तों से मिलते हो, फ्रेंड बनते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी बनती है, लेकिन स्कूल में आप रहते हो, आप एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, गेम खेलते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, आपका डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। आप कोचिंग करते हो तो सिर्फ जितना पढ़ाया जाता है उसे घर में आके पढ़ते हो, फिर जाते हो पढ़ते हो, कुछ भी दुनिया के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि क्या दुनिया में हुआ वो वही नहीं पता होता है आपको, कुछ भी पूरा दुनिया से कटे हुए रहते हो आप, जो खासकर जो स्पेशली जब डेडिकेटेड होकर कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल दुनिया से कट जाता है। और जब मैं बाहर गया तो मुझे पता लगा, जब मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ ना, सब लोग के पास जब नॉलेज देखा कि यार नॉलेज में मतलब साइंस के नॉलेज में तो मेरे बराबर हैं, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। अब उन लोगों के पास, उन लोगों के करीब जाने के लिए अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अब मैं मेहनत करूँगा तो क्या वो वहीं पर रहेंगे क्या, अब मैं अब सोचने जाऊँगा कि मैं मुझे वॉलीबॉल खेलना है तो क्या तुम एक दिन भी सीख जाओगे, और वो जो नेशनल लेवल खेल रखा उससे आगे निकल जाओगे तुम, वो भी तो खेल रहा है तुम्हारे साथ, तो जितना तुम प्रैक्टिस, अब तुम्हें क्या पड़ेगा, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दिन रात, उससे ज़्यादा दिन रात कहाँ से करोगे, कॉलेज का काम नहीं है क्या, 5 घंटे कॉलेज चल रहा है, 6 घंटे 8 घंटे कहाँ से करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो, और इसी कारण फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों को कि भाई मैंने जीवन में कुछ नहीं किया और सिर्फ पढ़ाई की और फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो स्कूल एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है जिसके पास, जो आप चाहता है कि ज़िंदगी को इन्जॉय भी करें और पढ़ाई भी करें, और मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि किसी कंपिटेटिव एग्जाम स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल से नहीं निकाल सकते हो, वो बच्चा IIT निकाला ना उसके बाद शायद उस साथ साथ वो कोचिंग भी करता था, आकाश इंस्टीट्यूट में, वो शाम को कोचिंग चलती थी, स्कूलिंग वो दिन में करता था, बहुत मेहनत वाला काम है, थकाऊ काम है, शाम को मुश्किल से 2 से 3 घंटा चलता है क्लास, तो ऐसा नहीं है, तो उसने साथ साथ दोनों किया था, ठीक है, ड्रॉप करके मेरे यहाँ पढ़ा था, उसके बाद 1 साल वो वहाँ से पढ़ा था, पहले ही अटैम्प्ट में उसने निकाला था। और तब मैंने बच्चों को बताता हूँ कि यदि आप IIT जैसे कंपिटेटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो, या किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम को, बहुत बड़े जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, तो आपको थोड़ा सा नीचे से ही तैयारी करना पड़ेगा, 9-10 से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग तो नहीं कर पाए, पर अपने छोटे भाई बहनों को बताइए कि यदि आप वो करना चाहता है तो 9-10 से ही IIT फाउंडेशन के क्वेश्चन बनाने शुरू करें। पढ़ना तो वही चीज़ें हैं, ऐसा थोड़ा ना कि 11th 12th पढ़ने लगेगा, जबकि अभिषेक ने तो पूरा 9th 10th में ही मैंने पूरा 11th 12th पढ़ा रखा था, 11th 12th क्लास में बैठा रहता था,
मतलब सभी चीज़ मैंने पढ़ा रखा था। इसी वर्मा वाला मुझे बाद में पता लगा कि लड़का 9th 10th में, उसके पिताजी ने बाद में बताया रेस्टिंग हंड्रेड डेज बुक जो जिससे एससी वर्मा ने खुद ने पढ़ा है जिस बुक से, वो बुक के क्वेश्चन वो बना के ले आता था। अभिषेक का भी आपका जो मोटिवेशनल वीडियोज है मेरे, उसमें उसका भी वीडियोज अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका भी मैंने इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू तो नहीं, उन्होंने बच्चों को जो गाइड कर रहा था उसका मैंने रिकॉर्डिंग किया है और वो चैनल पर डाला हुआ, तो उसको भी आप देख सकते हैं यदि आपके पास समय हो तो। समय ही समय है, अभी तो छुट्टियाँ ही चल रही है, तो समय ही समय है, तो जाके आप देख सकते हैं उसको। ये सब चीज़ें थी जिसके बारे में आपको बता दिया। चलिए आप लोग, हम लोग जैसे आगे मिलेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर कुछ ऐसा रहा, कुछ और आपका क्वेश्चन रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास दे दूंगा, अपलोड हो जाएगा वो कोई क्वेश्चन रहेगा तो। ये वीडियो भी बड़ा हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप लोगों ने समय दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे का वीडियो हो गया। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आपकी मदद करेगी आपके फ्यूचर में। और भी कोई कुछ सवाल है, यदि आप चाहते हैं कि मुझसे मिलकर, कोई सवाल है आपका तो आप पर्सनली, आपके पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं, समय ले सकते हैं मुझसे और मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर मेरे कोचिंग में आके भी मिल सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाया होगा, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो उन लोगों को भी दिखाएं, आप उनकी मदद करें। देखिए एक चीज़ याद रखिए, यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो इस बार उसी की मदद करता है। बहुत ही कंपटीशन है और लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और लक उसकी साथ देता है वह जो दूसरों का साथ देते हैं। तो इसको सेंड कीजिए उन लोगों को, अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाइए, जो भी आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, जो कि स्कूल में है या पास करेंगे या करने वाले हैं, कर चुके हैं, उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए उसको बेहतर गाइडेंस के लिए, ये वीडियो उनके काम आने वाला है। लेकिन बताने को लिए तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ मैं कोचिंग को लेकर बता सकता था, एक एक टॉपिक को लेकर बता सकता था कि किस में क्या है, ऑप्शन है, कैसे जा सकते हैं, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग उतना देखोगे नहीं, ठीक है, कोई नहीं देखेगा, सब लोग बंद कर देगा, तो इसलिए मैं इसको यहीं रखता हूँ। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके लोगों के पास मेरा नंबर भी होगा। आपके पेरेंट्स भी अगर बात करना चाहते हैं, यदि कोई मिलना चाहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं, समय लेकर आपको मेरे कोचिंग पे आके मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप कोरोना वायरस से बच के रहिएगा, ठीक है। और रविवार को यानी कि आज आप लोग थोड़ा घर से बाहर मत निकलिएगा, आज जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है तो उसका पालन करेंगे आप लोग। और फिर से आप सबों को नवरात्र का बहुत शुभकामनाएं, आने वाला छठ है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रामनवमी उसके बाद आएगा उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।